हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर आयुष पारिक, टीम जूलॉजी सीएलसी सीकर, वेलकम है आप सभी का। आज हम करने वाले हैं हमारा जो 14th को बायो डीटीएस लगा था, जिसमें टॉपिक्स थे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन। जो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो थी उसका जो पार्ट जो हमारा 14th को बायो डीटीएस जो है उसका सॉल्यूशन आज हम करेंगे। टोटल 180 क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी और उसके आसपास ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, तो देख लेते हैं बच्चों की कैसे हमें सही आंसर तक पहुंचना है, आपको कैसे सही आंसर को सेलेक्ट करना है। देखिए, थोड़ा सा आपको क्या होना चाहिए, एक सेंस आप में डेवलप होना चाहिए जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। बहुत सारी जगहों पर मैंने बहुत सारे बच्चों में ये चीज देखी है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, आपको लगता है कि थर्ड है तो थर्ड ही होगा, ऐसा नहीं होता। आपको हर क्वेश्चन में अपने आप से जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको थोड़ा सा क्रॉस चेक करते हुए चलना है, ठीक है? कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने यहां पर है, ट्रेकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी व्हिच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ। बात कर रहा है किसकी बच्चों, ट्रेकिया की बात कर रहा है। एक स्ट्रेट ट्यूब है, इस तरीके से एक स्ट्रेट ट्यूब आ रही है, कहां तक आ रही है, मिड थोरेसिक कैविटी। आपको पता होना चाहिए नेक के सर्वाइकल रीजन के नीचे की जो हमारी कैविटी है जिसमें हमारे लंग्स लोकेटेड होते हैं, ऊपर क्लेविकल नीचे डायफ्राम, इनके बीच की जो कैविटी है वो कौन सी होती है, थोरेसिक कैविटी। इसमें मिड तक कौन आती है, ट्रेकिया आती है। फिर ट्रेकिया डिवाइड हो जाती है प्राइमरी ब्रोंका है में, ठीक है, लेफ्ट और राइट लंग्स में जो जाती है। तो इसमें पूछा है कि कौन सी वर्टिब्री पर जाकर के डिवाइड होती है। इसके मार्कर्स हम लोगों ने लगा रखे हैं, अगर हम वर्टिब्रीज को पीछे से गिनना स्टार्ट करें तो गर्दन में जो वर्टिब्रीज हैं वो सर्वाइकल, फिर थोरेसिक, लंबार, इस तरह से। तो कौन सी ऐसी वर्टिब्री है जिसपे जाके ट्रेकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, फिफ्थ नंबर की जो थोरेसिक वर्टिब्रा है यानी कि पांचवी वक्षीय कशेरुका पर जाकर के जो ट्रेकिया है वो दो भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो इसलिए सही आंसर जो है इसका क्या जाएगा, T5। चलिए आगे चलते हैं, आसान सा क्वेश्चन था। स्पिंक्टर विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्टोमक टू इसोफेगस। स्पिंक्टर, ऐसा स्पिंक्टर जो क्या करता है, जो फूड का फ्लो है स्टोमक से वापस इसोफेगस में ना जाए वो उसे रोकता है, अवरोधनी की बात कर रहे हैं। इस तरह से आपको सभी को इसका आंसर जहां तक है इस तरह से पता होगा आप लोगों को कि देखिए ये मस्कुलर जो बैग लाइक स्ट्रक्चर यानी कि स्टोमक है ये यहां पर आ रही है कौन, इसोफेगस। तो यहां पर वो स्पिंक्टर लगा हुआ होता है जो स्टोमक से फूड को वापस इसमें जाने में क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो इस रीजन का नाम क्या है, कार्डिक। तो इस स्पिंक्टर को हम क्या बुलाते हैं, कार्डिक स्पिंक्टर कह दीजिए या गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंक्टर भी हम लोग इसे कहते हैं। तो सही आंसर बच्चों हमें मिल गया हमारे सेकंड ऑप्शन में, इसी वजह से इसका सही आंसर कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैच द कॉलम, अब फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से आपको क्या करना है, मैच करना है। एक तरफ ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स दे रखी है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी इस तरह से मैच मत कीजिएगा क्योंकि ओएमआर भरते वक्त आप लोग गलती कर देंगे। हमेशा आपको पता है कि इस तरफ से इधर की मैचिंग पूछी गई है। तो देखिए, सामने लिख दीजिए, स्पंज की बात कर रहा है, स्पंजेस जो होते हैं तो किससे ब्रीथ करते हैं, तो एंटायर बॉडी सरफेस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, थर्ड। फ्लैट वर्म्स की बात कर रहा है तो वो भी पूरी एंटायर बॉडी सरफेस से ब्रीथ करते हैं तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, थर्ड। अर्थवर्म की बात कर रहा है, मॉइस्ट क्यूटिकल ऑब्वियसली, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फोर्थ। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स यानी कि गिल्स, तो क्या बना हमारे पास, थर्ड थर्ड फोर्थ फर्स्ट। थर्ड गलत हो गया पहला, थर्ड थर्ड फोर्थ फर्स्ट। देखिए, सेकंड ऑप्शन जो है हम वहां पर सही आंसर पर पहुंच चुके हैं। सेम वही हिंदी की बात है, संपूर्ण शारीरिक सतह यहां पर लिखा हुआ है नम क्यूटिकल। तो ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स थे एनसीईआरटी में बेस्ड और ये उनके कुछ बेसिकली ऑर्गेनिजम्स जिनमें किनमें प्रेजेंट होते हैं। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन। आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है हमारे पास, इन द टिश्यू फैक्टर फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन, यानी कि HbO2 किसमें टूट जाए, HbO2
प्लस ओ टू यानी कि डिसोशिएट हो जाए, टूट जाए, तो इसके ब्रेकडाउन को प्रमोट या प्रेरित करने वाले कारक कौन से हैं? काम की चीज क्या थी, आपको इस फेवरेबल को क्या करना था, गोला बनाना था, ठीक है, वह कारक जो प्रेरित करते हैं, ठीक है। कई बार यहां पर अनफेवरेबल भी आ सकता है, तो शब्दों का हेर फेर से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए डिसाइड करते हैं, लो पीओ टू बिल्कुल फेवरेबल है। आपको पता है कि अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो हीमोग्लोबिन के साथ उसकी जो एफिनिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो बिल्कुल पहला हो गया हमारा, ये हो सकता है। हाई पीओ टू नहीं, ये तो गलत हो गया, ये तो बल्कि फेवर करता है बनने में, तो ये नहीं होगा। लो पीसीओ टू ये भी गलत हो गया क्योंकि ये भी फेवर करता है। हाई पीसीओ टू बिल्कुल ये फेवरेबल है ब्रेकडाउन के लिए। लोअर टेम्परेचर नहीं, हायर टेम्परेचर बिल्कुल। लो पीएच यानी ज्यादा एच प्लस आयन बिल्कुल। हाई पीएच यानी एल्केलाइन गलत हो गया। तो देखिए कौन कौन सा, ए डी एफ जी, कहां मिल रहा है हमें, फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें हमारा आंसर मिल गया, ए डी एफ जी। चलिए आगे चलते हैं, ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन। ट्रिप्सिन और पेप्सिन में आपसे अंतर पूछा है। पेप्सिन क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाला प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। गैस्ट्रिक ग्लैंड मीन्स स्टोमक, और ट्रिप्सिन कहां पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक चीज दिमाग में 100% आपको क्लियर हो जानी चाहिए, पेप्सिन स्टोमक में है मतलब एसिडिक पीएच पे काम करेगा, ट्रिप्सिन इंटेस्टाइन में है मतलब एल्केलाइन पीएच पे काम करेगा। अब इस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में अगर ये पॉइंट स्ट्राइक नहीं किए तो मतलब आपने थोड़ा सा थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ा। ये पॉइंट स्ट्राइक हुए, अब आप क्वेश्चन पे चलिए। ट्रिप्सिन एक्ट इन एसिडिक मीडियम, दिमाग ही नहीं लगाना, गलत हो गया, एसिडिक में थोड़ी एक्ट करता है। चलो पेप्सिन एक्ट इन एसिडिक मीडियम आगे पढ़ा जा सकता है, बट ट्रिप्सिन एक्ट इन एल्केलाइन मीडियम, सही बात लग रही। पेप्सिन एक्ट ओवर प्योर प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम बट नॉट ट्रिप्सिन। पेप्सिन एक्ट ओवर प्योर प्रोटीन, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम बट नॉट ट्रिप्सिन, ठीक है। आगे चलिए, बोथ फंक्शनल एज सिमिलर पीएच, ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। तो अब देखिए अगर हम लोग बात करें शुद्ध प्रोटीन, तो शुद्ध प्रोटीन जैसे यहां पर जो है वो, क्योंकि बेसिकली ज्यादा करेक्ट की अगर अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम पर काम करता है और ट्रिप्सिन जो है वो एल्केलाइन मीडियम पे काम करता है। तो प्योर प्रोटीन जो है यहाँ पर थोड़ा सा हमारा गलत हो गया, और इसके हिसाब से भी अगर हम लोग देखेंगे तो जो ज्यादा करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जब भी हीमोग्लोबिन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होगी तो किसका प्रोडक्शन होगा, HBCO का। HBCO को हम क्या बुलाते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बुलाते हैं। CO2 की रिएक्शन जब हीमोग्लोबिन के साथ होगी तो क्या बनेगा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। वहां पर कौन है, CO2। यहां पर क्या पूछा है आपसे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो देन सही आंसर, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आंसर हमें पता चल रहा है, फोर्थ ऑप्शन हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए, स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन बट एब्सेंट इन स्टोमक, ऐसी स्ट्रक्चर ऐसी संरचना जो आंत्र में तो उपस्थित होती है परंतु आमाशय में नहीं, यानी कि इंटेस्टाइन में तो है बट स्टोमक में नहीं है, तो वो स्ट्रक्चर अगर हम लोग सिलेक्ट करें तो देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ऑब्वियसली डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है वो स्टोमक में भी है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और इंटेस्टाइन में भी है। सब म्यूकोसा ये तो एलिमेंट्री कैनाल की लेयर्स है, तो ये तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल्स में होंगी। सीरोसा ये भी एलिमेंट्री कैनाल की लेयर है, बट विली, आप देखिए विली जो है वो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको मेनली मिलेगी, जिसके ऊपर माइक्रोविली पाई जाती है, पर स्टोमक में विली जो है वो नहीं मिलेगी। तो सीधा आंसर क्या हो गया हमारा, फर्स्ट ऑप्शन यानी कि अंकुर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेट इन द लंग एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, यानी कि बलपूर्वक अंतः श्वसन के पश्चात फुफ्फुस में एकत्रित हुए कुल वायु का आयतन। बहुत आसान सा है, आपने पूरे दम लगा करके ब्रीथ इन किया, इंस्पिरेशन किया, अंतः श्वसन किया, अब आपने सांस को रोक लिया, अब आपके फेफड़ों में लंग्स में कितनी एयर होगी, ऑब्वियसली टोटल लंग वॉल्यूम जो है वो आपके लंग्स में एक्यूमुलेटेड है जिसमें सारी एयर्स आ गई आपकी,
आरवी आ गई, ठीक है, ईआरवी आ गई, टीवी आ गई, आईआरवी आ गई, तो इसलिए आंसर इसका क्या गया, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन को प्रभावित, देखिए डिफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है, एल्वियोलाई में हो रहा है, टिश्यू साइट पर हो रहा है, गैसेस डिफ्यूजन के थ्रू भी मूव कर रही हैं, एल्वियोलाई से वहां की जो ब्लड कैपिलरी में जो ब्लड है उसमें आना जाना, तो उसके रिगार्डिंग उसको कौन है, डिफ्यूजन को कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बिल्कुल करता है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन होता है, प्रेशर ग्रेडियंट बिल्कुल करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस बिल्कुल ये भी अफेक्ट करता है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्ड इन डिफ्यूजन ये भी बिल्कुल है, जितनी थिन मेम्ब्रेन होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन उतनी ही ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं सांद्रता प्रवणता, दाब प्रवणता, गैसों की घुलनशीलता, विसरण में सम्मिलित झिल्ली की मोटाई, ये चारों के चारों जो फैक्टर्स हैं वो डिफ्यूजन को अफेक्ट करेंगे। इसी वजह से हमारा आंसर क्या चला गया बच्चों, ए बी सी एंड डी, ठीक है, तो बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन आंसर हो गया। आगे चलते हैं, नॉट करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन ए रिवर्सिबल मैनर, बिल्कुल ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगी तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, कहां पे, एल्वोलर साइट पे, और वहीं टिश्यू साइट पे वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन ब्रेक होकर के वापस अलग हो जाएगा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो कैसा हो गया, सही हो गया। ऑक्सीजन कैन बाउंड टू द हीमोग्लोबिन इन द लंग एक्सटर्नल सरफेस एंड गेट डिसोसिएटेड एट द टिश्यू, ये गलत हो गया, बाह्य सतह पर कोड़ी होता है, आंतरिक सतह पर जो कोशिकाएं स्थित होती है वहां पर होता है, इंटरनल सर्फेस में जो एल्वियोलाई है वहां पर ये बाइंडिंग हमें देखने को मिलती है, तो गलत हो गया। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पार्शियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, आंशिक तौर पर, गलत बात हो गई, पूर्ण तौर पर जो है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कि मेडुला ऑब्लेंगटा में प्रेजेंट होता है वो ही उत्तरदायी है, तो ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विथ aortic arc and coronary artery can also recognize the change in CO2 and H+ concentration. तो देखिए अगर हम कहीं receptors coronary artery में नहीं होते, ठीक है, carotid artery में होते हैं, coronary artery किसको supply करती है, heart की muscles को blood supply करती है, इसी वजह से जो D है statement ये भी हमारा क्या हो गया, false हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, not correct statement पूछे हैं आपसे, जो स्टेटमेंट सही नहीं है, तो बिल्कुल बी सही नहीं है, सी सही नहीं है, डी सही नहीं है, तो हमें आंसर भी यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में मिल जाता है, केवल बी सी तथा डी जो है वो कथन क्या है, सही नहीं है, तो आंसर हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन। चलिए, मसल्स अटैच टू द डायफ्राम ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, देखिए जो मसल्स डायफ्राम से अटैच्ड है मतलब जो फ्रेनिक मसल्स हैं डायफ्राम की, इंस्पिरेशन यानी अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम की शेप को कैसा कर देती हैं, बहुत ही आसान सी बात है, देखिए नॉर्मल शेप कैसी होती है, डोम शेप, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है फ्रेनिक मसल्स में तो इंस्पिरेशन में डायफ्राम कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, किस तरह की शेप हो जाती है, फ्लैट जो है वो शेप हो जाती है, पहले कैसी है बच्चों, पहले है देखिए डोम शेप, अब कैसी हो गई, फ्लैट हो गई, तो इंस्पिरेशन में कैसी शेप होगी, इंस्पिरेशन में कैसा बना दिया जाता है इसे, फ्लैट, ताकि क्या हो, वॉल्यूम जो है वो राइज हो जाए, प्रेशर डिक्रीज हो जाए, एटमॉस्फेयर के कंपेयर में नेगेटिव प्रेशर हो, हवा जो है वो बाहर से अंदर लंग्स में मूव करे, तो आंसर कौन सा चला गया हमारा, फ्लैट चला गया, चपटा, ठीक है। आगे चलिए, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब आपसे पूछा है एल्वियोलाई में लंग्स की, ठीक है, तो अब इनको आपको कंपेयर करना है, एल्वियोलाई में लंग्स की ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की अगर हम बात करेंगे तो क्या इक्वल होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के, बिल्कुल गलत बात होगी, इक्वल नहीं होगा, एल्वियोलाई में जो है वो ज्यादा होता है 104, मोर देन दैट इन द ब्लड, ब्लड से ज्यादा होगा, बिल्कुल ये हो सकता है ब्लड से ज्यादा, लेस कभी नहीं होगा और लेस देन CO2 भी नहीं होगा, इसीलिए हमेशा क्या होगा, आप देखिए अगर हम ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को अरेंज करें तो सबसे ज्यादा तो कहां पर है, एटमॉस्फेयर में है 159, देन फिर कहां पे है, एल्वियोलाई में है, देन फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर सबसे कम अगर देखें तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
तो इसी वजह से हमेशा एल्वियोलाई में ब्लड के कंपैरेटिवली, चाहे ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड हो, जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो ज्यादा देखने को मिलेगा। इसी वजह से बच्चों हमारा आंसर कौन सा गया था, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर गया था। आगे चलते हैं, नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। देखिए धूम्रपान मेनली जो सिगरेट स्मोकिंग से होने वाली डिजीज है वो कौन सी होती है, एम्फाइसीमा होती है, ठीक है, या इसे हिंदी में हम वात स्फीति भी कहते हैं, ठीक है, ये स्मोकर डिजीज है। यूरोपियन कंट्रीज में जो लोग चेन स्मोकर होते हैं, ज्यादा सिगरेट पीने से जो एल्वियोलाई की वॉल होती है ना, उसका फाइब्रोसिस हो जाता है, उसका डैमेज हो जाता है, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू है, बार बार अगर उसे इरिटेशन मिलेगी तो वहां पर फिर वो डैमेज हो जाएगा और वो कनेक्टिव टिश्यू से रिप्लेस हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो आपको पता है कि एपिथेलियल टिश्यू जो था सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, इसी की वजह से डिफ्यूजन हो रहा था, तो धीरे धीरे लंग्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा गैसेस एक्सचेंज करना बंद कर देता है और इसी डिजीज को हम क्या कहते हैं, एम्फाइसीमा कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, द विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन ऑफ मैमल्स लिंक्ड टू द पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन बाय। देखिए जो लंग्स हैं उनकी दो कवरिंग है, एक होती है विसरल प्लूरा और एक होती है पैराइटल प्लूरा। हमेशा ध्यान रखिएगा विसरल प्लूरा जो है वो ऑर्गन की तरफ होगी, पैराइटल विसरल ऑर्गन्स, नाम सुना है ना, ठीक है, तो हमेशा किस तरफ होगी, ऑर्गन की तरफ, पैराइटल प्लूरा दूर होगी, यानी पैराइटल प्लूरा तो थोरेसिक वॉल की तरफ है, विसरल प्लूरा किन से जुड़ी हुई है, लंग से जुड़ी हुई है। अब ये पूछा है कि उनके बीच में क्या होता है, तो बीच में आपने देखा होगा प्लूरल फ्लूड यहां पर भरा हुआ रहता है, तो इसी वजह से क्या हो गया, देखिए द्रव युक्त स्थान, बिल्कुल, यानी कि फ्लूड फिल्ड स्पेस इज द करेक्ट आंसर, और कोई आंसर यहां पर बैठेगा ही नहीं हमारा। ठीक है, चलिए आगे, थिन लिम्स इडीमा, यही आंसर आपको पकड़ना है, डायरिया डेवलप ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, दूसरा आंसर यहां पकड़ना आ गया। देखिए इडीमा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, क्वाशियोर्कर का, तो इसलिए आंसर इसका कौन सा गया, सेकंड ऑप्शन चला गया इसका, क्वाशियोर्कर, ठीक है, मेरास्मस यहां पर दे रखा है, क्वाशियोर्कर दे रखा है, तो क्वाशियोर्कर जो है इडीमा जो है पिक्यूलर यहां पर हमारा एक सिम्टम हो गया क्वाशियोर्कर का, जो कि क्या है, ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से या एनर्जी की कमी से होने वाली जो रोग है, जो डिजीजेस डेवलप होती है, उनकी यहां पर बात की गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, कौन सी एनर्जी कंज्यूम होती है ब्रीथिंग के अंदर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कंज्यूम की बात कर रहा है, खर्च हो रही है, आप अपनी मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन करवा रहे हैं, मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, एटीपी, एटीपी क्या है, केमिकल एनर्जी है, ये बात कर रहा है यूज की, कौन सी एनर्जी इस्तेमाल होती है, तो कौन सी एनर्जी इस्तेमाल होती है, ऑब्वियसली यानी कि रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, इसी वजह से आंसर क्या गया है इसका, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट अनयूज्ड, ये देखिए ये कह रहा है कि हमारे जो ब्लड के अंदर, अगर आप देखिए नॉर्मल रेस्ट कंडीशन पे, अगर मैं कहूं कि 100 ml जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर हम देखें तो हमें अप्रॉक्स 20 ml क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, इनमें से एक साइकिल में 20 ml जो है, इनमें से देखिए नॉर्मल रेस्ट कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, नॉर्मल रेस्ट कंडीशन के अंदर इस 20 ml में से 5 ml जो है वो किसको दे दिया जाता है, टिश्यू को, और जो बचा हुआ 15 ml है वो वापस किस में चले जाता है, ब्लड में चला जाता है। तो अब ये कह रहा है कि ये जो 15 ml जो है ना ब्लड, ये क्यों गया, मतलब अब ये क्या काम आएगा, तो देखिए क्या होता है, जब मस्कुलर एक्सरसाइज करता है कोई व्यक्ति, तो मसल्स में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये चेंज पूरा उल्टा हो जाता है, एक्सरसाइज की कंडीशन में 15 ml ब्लड तो दिया जाता है किसे, मसल्स को, 5 ml जो है वो रखा जाता है, यानी कि अब क्या हुआ था, ये जो बचा हुआ ब्लड है ये किसके तौर पे काम हुआ, रिजर्व के तौर पर काम किया इसने, किसकी तरह, संरक्षण की तरह कार्य किया, इसी वजह से हमने आंसर यहां पर क्या लगाएंगे हम, थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, ये कर्व हमेशा ध्यान रखिएगा इस तरीके से, इधर मेरा कौन सा हैंड है, राइट, और इधर मूव करेगा तो कौन सा है, लेफ्ट। ठीक है, ये राइट और लेफ्ट का थोड़ा सा कंफ्यूजन ध्यान रखना है, अगर नहीं तो ऐसे याद रख सकते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ झुकेगा, ठीक है, इस तरफ झुकेगा, आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए,
एक और ये मैं ऐसा कर बना देता हूँ, एक ये मैंने बना दिया और इसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने ऐसा बना लिया, इसको मैंने इधर झुका दिया, कोई भी कॉमन पॉइंट ले लीजिए, यहां पर एक पॉइंट ले लीजिए, यहां पर एक पॉइंट ले लीजिए। अब देखिए ये दोनों सेम हमने लिया, जैसे मान लीजिए 20 mm HG ले लिया, 20 mm HG हम लोगों ने ले लिया। अब आप देखिए इधर 20 नीचे, ऑब्वियसली क्या है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, इधर परसेंटेज HB सैचुरेशन आता है, इधर क्या आता है PO2 आता है। 20 mm HG PO2 पर आप देखिए यहां पर कम ऑक्सीजन सैचुरेशन है, यानी कि कम हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है, यानी कि ऐसे फैक्टर्स है यहां पर जो हीमोग्लोबिन को और ऑक्सीजन को आपस में जुड़ने नहीं दे रहे, बट इसी कंडीशन में सेम पार्शियल प्रेशर पर ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नॉर्मल जो शेप है वो सिग्मोइड है। अब अगर लेफ्ट की तरफ जाएगा मतलब HbO2 का फेवर होगा, और राइट की तरफ जाएगा मतलब HbO2 का तलाक होगा। फेवर करवाना है तो लेफ्ट की तरफ, तलाक करवाना है, अलग करवाना है तो राइट की तरफ। ये क्या करवा रहा है यहाँ पर, राइट की तरफ बात कर रहा है, राइट की तरफ भेजना मतलब HbO2 में दुश्मनी को बढ़ाना। और कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से दुश्मनी बढ़ती है, पहले देखिए डिक्रीज, डिक्रीज की यहां पर बात की है, टेम्परेचर डिक्रीज होने से दुश्मनी नहीं बढ़ती बल्कि प्यार बढ़ता है HbO और O2 के बीच में, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ना पसंद करेगा जब टेम्परेचर कम होगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का डिक्रीज होने से भी प्यार बढ़ेगा, ठीक है। पीएच के डिक्रीज होने से अगर हम कहें तो मतलब क्या बढ़ना, H+ कंसेंट्रेशन बढ़ना, एसिडिक पीएच होना, और एसिडिक पीएच ही वो रीजन है जिसकी वजह से जो ये ग्राफ है वो किस तरफ मूव करेगा, यानी HbO2 क्या होना पसंद करेंगे, अलग, और जब भी अलग होंगे तो राइट की तरफ शिफ्टिंग होगी। इसी वजह से बच्चों इसका सही आंसर कौन सा गया, थर्ड। एसिडिटी को तुम डिक्रीज बता दोगे तो मतलब उल्टा क्या हो गया, एल्केलाइन ज्यादा हो रहा है तो एल्केलाइन थोड़ी होता है, एसिडिटी कम होना मतलब क्या होना, एल्केलिनिटी होना, ठीक है, तो क्षारीय माध्यम होना। तो बस ये थोड़ा सा था घुमा करके, अच्छा क्वेश्चन, तो थर्ड आंसर इसका हमारा सही आंसर हो गया। आगे चलिए, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट कोड गिवन बिलो, फिल इन द ब्लैंक से एट द टिश्यू साइट, टिश्यू साइट पे कौन सी हाई होगी, बिना सोचे समझे अगर हम लोग देखें, देखिए टिश्यू साइट पे क्या हाई होगा, PCO2 हाई होगा, यानी पार्शियल प्रेशर, किसका पार्शियल प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का। ड्यू टू क्यों होता है, क्योंकि वहां पर कैटाबॉलिज्म रिएक्शन चल रही है, चीजें टूट रही हैं, विघटन हो रहा है उनका, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या पैदा हो रही है, CO2 पैदा हो रही है ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, और इसकी वजह से जो CO2 है ना वो डिफ्यूज हो रही है किसमें, ब्लड में, और ब्लड में डिफ्यूज होकर के क्या बनाएगी, HCO3 नेगेटिव, और यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म। तो बिल्कुल सही आंसर अगर आप देखिए तो PCO2 कैटाबॉलिज्म, CO2 HCO3, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ये दोनों तो हो ही नहीं सकते क्योंकि टिश्यू साइट पर हाई PO2 होता ही नहीं है, PCO2 एनाबॉलिज्म यहां पर गलत हो गया, बाकी तो दोनों चीजें सेम है। इसी वजह से सही आंसर कौन सा गया हमारा इसमें बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन जो था वो हमारा क्या चला गया, सही आंसर चला गया, ठीक है। आगे चलते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन विच वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी, जो वॉल्स है किसकी, एल्वियोलाई की, वो डिस्ट्रॉय हो जाए। मैंने आपको बताया सिगरेट स्मोकिंग से जो धुआं है सिगरेट का वो एपिथेलियल टिश्यू जो है एल्वियोलाई का उसे डैमेज कर देता है, तो वॉल्स डैमेज होती है किसके अंदर, एम्फाइसिमा में, अस्थमा में नहीं होगी, अस्थमा में ब्रोंकियो से जुड़ी हुई डिसऑर्डर डेवलप होगा ब्रोंकियोल्स में, निमोनिया में वाटरी फ्लूड भर जाएगा, ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकियोल में इंफ्लामेशन की बात हो रही है। सही आंसर क्या हो गया इसका, फोर्थ ऑप्शन, बात स्थिति। आगे चलते हैं, कार्बोनिक, यहाँ दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इरिथ्रोसाइट में होता है, बिल्कुल होता है, इरिथ्रोसाइट में जो CO2 है वो कंबाइन होती है H2O के साथ और ट्रांसपोर्टेड होती है, बिल्कुल होती है, और इसका रीजन क्या होता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट है, यानी पहला ऑप्शन सही है दूसरा भी सही है, और दूसरा उसे करेक्ट तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेटमेंट सेकेंड, तो हमारा भी सही आंसर क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन हमारा सही आंसर होता है। आगे चलिए, देखिए ये बात हो गई, एटमॉस्फेरिक एयर की बात करें अगर हम लोग, तो एटमॉस्फेरिक एयर में 159 mm Hg जो है वो हमारा O2 का पार्शियल प्रेशर होता है, और ब्लड में बात करें ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो 95 mm Hg होता है, CO2 का एल्वियोलाई में बात करें तो 40 mm Hg हो गया, और टिश्यू में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 mm Hg हो जाएगा। ये सिंपल सी टेबल है जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखी है,
तो देखिए ए में कितना आएगा 159, बी में कितना आएगा 40, सी में कितना आएगा 95, डी में कितना आएगा 45। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास केवल एक ही है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ईआरवी प्लस आरवी, ये तो गुजरे जमाने का क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, एकदम कंसेप्ट क्लियरिंग सा है, पता है आपको सीधा सिंगल शॉर्ट आंसर। ईआरवी में आरवी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग करनी है, रेस्पिरेटरी सेंटर, वही हमारा तरीका, देखिए ए पर रेस्पिरेटरी सेंटर कहां है, कहां है, मेडुला ओब्लेंगटा में होता है, बिल्कुल होता है साहब, सेकंड लगा दिया। चलो नंबर बी, अस्थमा, अस्थमा जो है किससे रिलेटेड है, एल्वियोलाई से नहीं, अभी बात की थी किससे रिलेटेड है, ब्रोंकाई से, यानी कि बी में लगा दिया सर हमने फर्स्ट। आगे चलिए, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहां पे है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कौन से में है, मतलब सी में लगा देंगे हम फोर्थ। एम्फाइसीमा किससे, किसका डिसऑर्डर है, डी पर अगर हम लगा देंगे तो एल्वियोलाई का डिसऑर्डर है, कूपिकाओं का डिसऑर्डर है। सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड ढूंढ लीजिए, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, बाकी में कहीं पे भी सेकंड नहीं आ रहा, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा बच्चों थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चले, चलिए अब एक अरेंजमेंट हमें यहां पर दे रखा है जबड़े का, तो फिगर गिवन बिलो शोन द डायग्राम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द जॉ ऑफ ह्यूमन, अब हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए ये जो दो, अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं, दो बता रखे हैं इसमें, दो बता रखे हैं मतलब इंसाइजर, ठीक है, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, तो ए पर इंसाइजर, बी पर कैनाइन, सी पर प्रीमोलर और डी पर क्या हो गया मोलर, रत्नक, रधनक, अग्रचर्णक और चर्णक, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन एनसीईआरटी का। आगे चलते हैं, अर्ज टू इनहेल, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सांस लेने की जो हमारी इच्छा होती है, जो दम घुटता है, अगर आप थोड़ी देर सांस रोकिए, जो अर्ज है, इच्छा जो हो रही है ना, वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं हो रही, CO2 के ज्यादा होने से हो रही है, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, PCO2 का बढ़ना, यानी राइजिंग PCO2, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, राइजिंग PCO2, बाकी तो गलत हो गए, CO2 के घटने से कोई सांस लेने की इच्छा नहीं होती, PCO2 के घटने से सांस लेने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि बढ़ने से हो रही है, ताकि उसको निकाला जा सके, इसलिए आंसर क्या हो गया इसका, फोर्थ, आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, हाइपोक्सिया, बहुत कॉमन सी टर्म जो है, अभी बहुत ज्यादा यूज हो रही है, कोविड में जो पेशेंट्स की डेथ होती है वो हैप्पी हाइपोक्सिया उसका बहुत बड़ा रीजन है, पेशेंट को पता ही नहीं चलता और एकदम से उसके अंदर जो टिश्यू है उसके वहां पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन की अल्पता टिश्यूज में, ध्यान रखिएगा, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से डेथ भी होती है अगर ये कंडीशन सीवियर हो जाए, क्योंकि अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, हार्ट को नहीं पहुंचेगी, किडनी को नहीं पहुंचेगी, तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होगा। कोविड का सबसे बड़ा कॉज जो है डेथ का वो यही है, हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया का मतलब ध्यान रखिएगा डेफिशिएंसी होना, कमी होना किसकी, ऑक्सीजन की, किसके अंदर, बॉडी टिश्यूज, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इंस्पायरेटरी आईआरवी में टीवी आपने जोड़ा और ईआरवी जोड़ दिया, वो किसके बराबर होगा, देखिए आईसी प्लस एफआरसी, तो आरवी तो कहीं जोड़ा ही नहीं हमने, तो गलत हो गया ये, टीएलसी माइनस एफआरसी, इसमें तो ईआरवी हमने घटा दिया तो गलत हो गया, हमें तो ऐड करना है आईसी प्लस ईआरवी, बहुत बहुत ही मतलब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता है इन दोनों को जोड़ दोगे, आईआरवी को और टाइडल वॉल्यूम को, तो क्या बन जाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, अब क्या बचा, ईआरवी, तो यही बस, ये देखिए ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी अंतः श्वसन क्षमता, इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये अंतः श्वसन क्षमता मिल गई और निश्वसित सुरक्षित आयतन, ये आपने जोड़ दिया, मैच हो गया ये करेक्ट आपका, तो इसी वजह से आंसर कौन सा गया हमारा, इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर चला गया। आगे चलते हैं, ग्राफ दे रखा है हमें, इनकरेक्ट बताना है इसके लिए, ये जो कर्व है ये क्या कहलाता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहलाता है, सही बात है भैया, जो ए पार्ट है ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन के, ऑक्सीजन की प्रतिशत, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ प्रतिशत संतृप्तता को दर्शाता है, बिल्कुल दर्शा रहा है। बी जो है क्या CO2 का पार्शियल प्रेशर थोड़ी दर्शा रहा है, गलत हो गया ना, आगे सोचने की जरूरत नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी है, बी क्या है यहाँ पर, बी है बच्चों क्या PO2, यानी ऑक्सीजन का आंशिक दाब, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का,
तो गलत पूछा था, तो ये गलत हो गया, ठीक है। बाकी अब देखिए कर्व जो है इन फैक्टर्स का जो इफेक्ट पड़ता है उसको समझने के लिए फायदेमंद है, बिल्कुल फायदेमंद है। चलिए आगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर हम देखेंगे तो देखिए ए क्या हो गया यहाँ पर, एपिग्लॉटिस, ठीक है, ए एपिग्लॉटिस हो गया। बी देखिए प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई। सी आप देखिए डायफ्राम हो गया, और जो डी है वो कट एंड हो गए रिब्स की, और ई जो है वो ब्रोंकस हो गया। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें सही आंसर, कुछ इसमें ज्यादा सोचने समझने की इतनी जरूरत ही नहीं है। ये भी CO2 में क्या जोड़ा आपने, वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन हुई, किसकी प्रेजेंस में हुई, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में, फिर क्या बना H2CO3, फिर यहां पर भी वापस कौन आएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसकी वजह से किसमें टूटा, SCO3 प्लस H प्लस में। तो H2O देखिए पहले में H2O नहीं है, गलत हो गया, सेकंड में H2O है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज और डी पर H प्लस, सेम देखिए सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। द ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन कहां से ला रही है ब्लड, लंग से ला रही है, लंग से लाएगी तो क्या ज्यादा होगा उसमें, ऑक्सीजन ज्यादा होगा, किसमें आके ओपन होती है, लेफ्ट एट्रियम में लाती है, ध्यान है ना आप सभी को, तो क्या ज्यादा होगा उसमें, ऑब्वियसली ऑक्सीजन ज्यादा होगा, और ये क्वेश्चन लगभग आप सभी का सही गया होगा। बच्चे का डेंटल फॉर्मूला पूछा है आपसे, 4 to 6 ईयर की बात कर रहा है बच्चों, तो देखिए बच्चों मतलब आपसे भी छोटे वाले बच्चे हैं उनका डेंटल फॉर्मूला पूछा है, तो वहां पर देखिए क्या होता है, थर्ड मोलर जो है वो बाद में आता है, फिर अगर हम लोग देखें तो जो प्रीमोलर्स है वो भी नहीं आएंगे, तो क्या आएंगे, इंसिजन, कैनाइन, प्रीमोलर क्या हो गए जीरो, और मोलर कितने रहेंगे दो, तो क्या हो जाएगा 2102, दो से मल्टीप्लाई किया क्योंकि आधा इधर, इसलिए क्या हो जाएगा 20, इसी वजह से इसका आंसर क्या चला गया बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए इनकरेक्ट पूछा है आपसे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के रिगार्डिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, मेजर साइट है एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट, बिल्कुल है, कोई शक की बात ही नहीं है इसमें, अपन सभी को पता है। अराउंड 40% ऑफ द टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट टेक्स प्लेस इन द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, गलत बात हो गई, बिल्कुल नहीं होता ऐसा, है ना, तो ये फॉल्स हो गया। ड्रग्स एल्कोहल जो है क्या पूछा है हमसे, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, इनकरेक्ट ही हम बता रहे हैं। ड्रग्स एल्कोहल लिटिल वाटर एंड सिंपल शुगर आर एब्जॉर्ब इन द स्टोमक थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन, दवाइयां अल्कोहल आ जाए तो स्टोमक ही है आंसर, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात कर रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू ही हो रहा है, वहां पर ट्रू हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ बैक्टीरियल डाइजेशन, यानी कि जीवाणुय पाचन, जो बैक्टीरिया है उनके पाचन के बाद जो उत्पाद होते हैं उनका अवशोषण किसमें हो सकता है, बड़ी आंत में हो सकता है, ये बात भी क्या हो गई टू, गलत पूछा है तो गलत, देखिए 40% थोड़ी होता है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन इज दी रॉन्ग आंसर, और हमसे भी क्या पूछा है, इनकरेक्ट बताना था, ठीक। चलिए लिपिड विच कैन बी फाउंड ऑयल बेस्ड सलाद ड्रेसिंग्स आइसक्रीम्स ड्यूरिंग डाइजेशन, देखिए कुल मिलाकर पूछ रहा है कि जो फैट है उनका डाइजेशन किसमें होता है, किसमें ब्रेक डाउन होता है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में होता है, ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड होगा नहीं, ग्लूकोज एंड फैटी एसिड होगा नहीं, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड होगा नहीं, तो क्या बचा हमारे पास में, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल, यानी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब मैचिंग करनी है, ए की बात करें हम लोग टाइलिन, तो देखिए क्या है ये, डाइजेशन किसका करता है, स्टार्च का, तो स्टार्च किस पर दे रखा है, क्यू पर, बी पर आ जाइए, पेप्सिन ऑब्वियसली किसका करेगा, प्रोटीन का, एस, सी पर आ जाइए, स्टेप्सिन, स्टेप्सिन क्या है, फैट का यानी लिपिड का डाइजेशन करने वाला है, तो सी पर आ गया हमारा पी, न्यूक्लियस की अगर हम लोग बात करें तो डी पर आ जाएगा हमारा आर, तो क्या हो गया बेसिकली QSPR, ये हो सकता है QS, गलत हो गया ये, इधर P पहले आ गया इधर ही आ गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, A का Q, ये देखिए A का Q, पेप्सिन का प्रोटीन, स्टेप्सिन का लिपिड और न्यूक्लियस का DNA, ठीक है। चलिए करेक्ट मैचिंग बतानी है, ट्राइग्लिसराइड ट्रिप्सिन, गलत हो गया, सोचने की जरूरत ही नहीं है, ट्रिप्सिन तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, प्रोटीन जो है पेप्सिन, और पेप्सिन जेजुनम, गलत बात हो गई, पेप्सिन तो स्टोमक में होता है, गलत, स्मॉल इंटेस्टाइन माल्टेज प्रोटीन का डाइजेशन, गलत बात हो गई,
स्टार्च अल्फा अमाइलेज माल्टोज, ये बिल्कुल सही बात है हमारा और हमसे भी क्या पूछा है बच्चों, करेक्ट ही हमें बताना था। ठीक है चलिए, बहुत ही आसान से क्वेश्चन, डाइजेस्टिव एंजाइम कैसे होते हैं, कौन सी कैटेगरी है डाइजेस्टिव एंजाइम्स की? तो देखिए हाइड्रोलिसिस होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है। हाइड्रोलिसिस कौन से वाले एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो कौन से होते हैं? हाइड्रोलिसिस कैटेगरी के अंदर आते हैं, तभी वो हाइड्रोलाइसिस करते हैं, वाटर की प्रेजेंस में बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। ठीक है आगे चलिए, इनकरेक्ट बताना है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज अमीनो एसिड एंड क्लोराइड आयन आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, सरल वितरण विधि से अवशोषित, एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल सही है। फेरिटिमा यूज मॉइस्ट क्यूटिकल फॉर रेस्पिरेशन, फेरिटिमा की बात हो रही है और बिल्कुल केचुआ जो है नम क्यूटिकल का उपयोग करता है, अभी हमने पहले आंसर में मैच द फॉलोइंग कराया था। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन थोरेसिक के कॉन्टेक्ट में होती है, बिल्कुल होती है सर, कोई शक की बात ही नहीं है इसमें। वाइटल कैपेसिटी में आप आईसी जोड़ दोगे तो टीएलसी मिलेगी क्या आपको? वाइटल कैपेसिटी में पहले से ही क्या जुड़ी हुई है? आईसी जुड़ी हुई है। वीसी क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी होता क्या है? टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। अगर आप इसमें क्या जोड़ेंगे, आप इसमें अगर आरवी जोड़ोगे देन आपको क्या मिलेगी? टीएलसी मिलेगी। वाइटल कैपेसिटी तो पहले से ही जुड़ी हुई है, ठीक है, तो गलत कौन सा हो गया हमारा? फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या हो गया बच्चों? गलत हो गया। चलिए स्पायरोमीटर किसको यूज? बिल्कुल रेजिडुअल वॉल्यूम को हम स्पायरोमीटर से यूज नहीं कर सकते। स्पायरोमीटर जो है उसमें हम लोग बेसिकली उन वॉल्यूम्स को कर सकते हैं मेजर जो हम एक्सचेंज कर पा रहे हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा हमारे लंग्स के अंदर में मिलेगी, तो उसे स्पायरोमीटर से हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। बात है डायरेक्टली की, मेजर कर सकते हैं अगर हम डायरेक्टली माइनस प्लसेस वगैरह करें तो। All gases exchange between air and blood in mammals occur across. Gases exchange की primary site क्या है हमारे body में? Obviously alveoli जो है वो हमारे अंदर gases exchange की primary site है, तो exchange भी कहाँ होगा? कूपिकाओं में होगा। तो answer क्या चला गया? 41 में था। Next पे आ जाइए। Next पे देखिए बच्चों, अगर हम लोग When is the oxygen hemoglobin right में shift करवाना है? Oxygen hemoglobin curve right में कब shift होगा? जब HbO2 की दुश्मनी बढ़े, यानी उनको अलग करने वाले factors। pH का बढ़ना गलत बात हो गई, H+ का कम होना गलत बात हो गई, temperature का कम होना गलत बात हो गई। एक factor है जो लड़ाई करवाता है किस किस के बीच में? Hb और O2 के बीच में, ताकि वो अलग हो जाए, और वो अलग होंगे तो जो हमारा ग्राफ है ऑक्सीजन डिसोसिएशन का वो किस तरफ जाएगा? राइट साइड में जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ हो गया। चलिए एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति मर गया इमीडिएटली, कोई इंजरी नहीं है किडनी में, ब्रेन में, स्टोमक में, हार्ट में, क्या रीजन रहा होगा? ऑब्वियसली डायफ्राम पंचर, बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है ये। डायफ्राम का पंचर हो जाने से उसकी ब्रीथिंग सीज हो गई, ब्रीथिंग सीज होने से क्या हो गया? एस्फिक्सिया हो गया, यानी कि उसके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई और इसी कारण वो सडनली उसकी क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। तो ये एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर भी कौन सा है बच्चों? हमारा थर्ड ऑप्शन जो है, डायफ्राम में छेद होना या डायफ्राम का पंचर हो जाना एक इसका आंसर होता है। ठीक है आगे चलिए, एक्सहेलेशन बहिश्वसन बाहर निकालते समय वायु ब्रोंकस से किस में जाती है? ध्यान रखने वाली बात है। देखिए आपको बोल दोगे नॉस्ट्रिल में जाती है, तो क्या कूद के थोड़ी जाती है नॉस्ट्रिल में? पहले किस में जाएगी? ट्रेकिया में। मोर करेक्ट क्या है? हमेशा ध्यान रखना, नीट में आजकल जो ट्रेंड है वो आपसे सही नहीं पूछेगा, वो आपसे ज्यादा सही पूछेगा। हो सकता है ऐसा ऑप्शन आए ए भी सही हो बी भी सही हो, ज्यादा सही कौन सा है? ठीक है, तो ऑब्वियसली ट्रेकिया के बाद नॉस्ट्रिल्स में भी जाएगी, बट पहले किस में जाएगी? ब्रोंकियल ट्री से। किस में जाएगी? ट्रेकिया में जाएगी। इसलिए आंसर क्या गया? ट्रेकिया, यानी कि वायुनाल, श्वासनाल हम कह सकते हैं। चलिए मेजोरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड बाइकार्बोनेट्स के रूप में होती है। आपको पता है लगभग 70% के समथिंग जो है ट्रांसपोर्टेशन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। फिर उसके बाद प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट में भी होती है और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के थ्रू भी होती है। तो ज्यादा करेक्ट कौन सा हो गया? ज्यादा करेक्ट क्या जो सही है वो कौन सा है? बाइकार्बोनेट के रूप में मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या एब्जॉर्ब करती है? अभी पहले भी हम बात कर चुके हैं, कुछ वाटर हो गया, मिनरल्स हो गई और कुछ मेडिसिन हो गई। सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है, सीधा सिंगल शॉट हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नेसोफेरिंक्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? नेसोफेरिंक्स की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो ये देखिए इस तरीके से अगर किसी पर्सन की बात करें तो ये जो नेजल ट्यूब्स है ना यहाँ पर, समझने के हिसाब से इनके जो पीछे का जो एरिया है ये पैलेट आ गया, ठीक है,
ये टंग आ गई किसी व्यक्ति की, पर ये यहाँ पर इस तरीके से। तो देखिए इनके पीछे का जो एरिया है वो क्या है, नेसोफेरिंक्स है। यहाँ इनके पीछे का हिस्सा जो है वो क्या है, ओरोफेरिंक्स है। ठीक है, क्या है वो, ओरोफेरिंक्स है। और यहाँ पे जो नीचे का है वो लैरिंजियोफेरिंक्स है। फेरिंक्स के थ्री पार्ट हो गए, नेसोफेरिंक्स नाक के पीछे, इंटरनल लेयर्स के पीछे, नासिका गुहा के पीछे, ओरोफेरिंक्स ओरल कैविटी के पीछे, लैरिंजियोफेरिंक्स लैरिंग्स के ऊपर। तो नेसोफेरिंक्स के लिए सही पूछा है, इंटरनल नॉस्ट्रल ओपन हो रहे हैं, सही बात है हो रहे हैं। क्या फेरिंक्स का भाग है, बिल्कुल भाग है। यूस्टेकियन ट्यूब खुल रही है, बिल्कुल खुल रही है, जो हमारे मिडिल ईयर से फेरिंक्स को जोड़ती है। किसमें ओपन होती है, नेसोफेरिंक्स में। गैसेस एक्सचेंज में थोड़ी मदद करता है नेसोफेरिंक्स, बिल्कुल नहीं करता, कूपिका ही करती है, एल्वियोलाई करती है। ठीक है, किसका पार्ट है ये, कंडक्टिंग पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए गैस से आदान प्रदान में सहायता करती है। गलत बात हो गई और गलत ही हमसे पूछा था, तो इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा हो गया बच्चों, फोर्थ ऑप्शन। चलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है गैस्ट्रिक जूस में कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, जीवाणुओं को मारेगा, बिल्कुल मारेगा। ब्रेकडाउन जो है कनेक्टिव टिश्यू का, जो मीट है उसको तोड़ने में हेल्प करता है, बिल्कुल करता है। एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन, बिल्कुल एक्टिवेट करता है। स्टार्च का पाचन जो है उसके लिए अमाइलेज एंजाइम चाहिए, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो इसके डाइजेशन में मदद नहीं करता। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, फोर्थ ऑप्शन है, लगभग सभी का आप लोगों का सही हुआ होगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। स्कॉलीसिस्टोकाइनिन CCK किसको स्टिमुलेट करेगा, गॉल ब्लैडर को, ताकि गॉल ब्लैडर क्या रिलीज कर दे, बाइल का रिलीज कर दे। गॉल ब्लैडर में देखिए क्या होगा, लीवर से जो बाइल जूस है वो आके गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, ताकि गॉल ब्लैडर उसको कंसंट्रेटेड कर सके, उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। और कॉलीसिस्टोकाइनिन जो है वो कहीं ना कहीं जो है आपने पढ़ा भी होगा PPK CK CCK, यानी पैनक्रियोजाइमिन और CCK, दो ही एक एंजाइम के दो पार्ट्स होते हैं। तो जो पॉलीसिस्टोकाइनिन है वो गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ताकि उसके अंदर जो भरा हुआ बाइल है वो रिलीज हो जाए, और वो रिलीज होकर इंटेस्टाइन में आए और क्या करवाए, फैट का इमल्सिफिकेशन करवाए। तो आंसर क्या हो गया, बाइल टू इमल्सिफाई फैट। आगे चलिए, सेलोइंग, ठीक है, भोजन को निगलना कैसे प्रक्रिया है। देखिए अगर हम सेलोइंग की बात करें तो किससे पूछा है, सेलोइंग कैसी है, रिफ्लेक्स एक्शन है, कहाँ पे होता है, फेरिंग्स में होता है। और इसमें देखिए क्या होता है कि जो सॉफ्ट पैलेट जो होता है ना, जो सॉफ्ट पैलेट है ये क्या कर लेता है, नेसोफेरिंक्स जो है ना ऊपर के, उनको बेसिकली क्या कर देता है, इस तरीके से बंद कर देता है, ताकि जो फूड है ना वो सीधा कहाँ चले जाए, हमारे इजोफेगस में चले जाए। ये तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो एपिग्लॉटिस है वो बेसिकली काम कर रहा है, बट यहाँ पर यह भी होता है कि जो सॉफ्ट पैलेट है वो उसको बंद कर देता है। तो जो है वो एक तरीके का रिफ्लेक्स एक्शन है, बिल्कुल फेरिंक्स के अंदर ये हो रही है। ठीक है, और सॉफ्ट पैलेट क्या कर रहा है, नेसोफेरिंक्स को बंद करने की बात कर रहा है, यहाँ पर ट्रेकिया को बंद करने की बात नहीं कर रहा है, इसलिए एपिग्लॉटिस आंसर नहीं आया। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों, सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। फूड इज मूव थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम बाय ए वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। खाना जो है वो हमारी आहार नाल में या एलिमेंट्री कैनाल में अग्र से, यानी एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ मूव करता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, कॉन्ट्रेक्शन होते हैं वेव की तरह, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, पेरिस्टेल्सिस, यानी क्रमाकुंचन गतियां। ठीक है, 51 में सही आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। व्हाट हैपेंस इन हैमबर्गर शेप, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपने 100% अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा तो इस घटना के बारे में आपने 100% पढ़ा होगा, हैमबर्गर शिफ्ट कह दीजिए उसे, चाहे क्लोराइड शिफ्ट कह दीजिए। एक्चुअली में क्या होता है, जो बाइकार्बोनेट आयन्स हैं वो आरबीसी से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन्स जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, आरबीसी से बाहर चले जाते हैं, कौन, HCO3 नेगेटिव। तो इससे आरबीसी का आयनिक बैलेंस बिगड़ जाता है, तो बाहर से क्लोराइड आयन जो है वो अंदर की तरफ मूव करते हैं, किसमें, ये हो गई हमारी आरबीसी के अंदर, ये आरबीसी में मूव कर रहे हैं बाहर से। इसी घटना को हम क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमिना के नाम से जानते हैं। तो देखिए क्या होना है, HCO3 आयन्स मूव आउट टू द प्लाज्मा, HCl नेगेटिव आयन एंटर्स इन द आरबीसी, बिल्कुल यही हो रहा है। देखिए CO3 गलत हो गया, H+ का कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पर ये भी नहीं है, तो सही आंसर जो है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, Cl नेगेटिव का अंदर आना और बाइकार्बोनेट आयन का आरबीसी से बाहर आना। ठीक है, चलिए, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर रिमेन लेस इन दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
there is a negative pressure in the lungs than the atmospheric pressure, in which two situations inspiration takes place. देखिए इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो कम है किसके कंपेयर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, मतलब नेगेटिव प्रेशर हो गया अपने आप में, तो इसमें भी इंस्पिरेशन होगा. पर नेगेटिव प्रेशर जैसा कि खुद ही बता रहे हैं नेगेटिव प्रेशर हो गया तो इसमें भी इंस्पिरेशन होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों में हमें क्या देखने को मिलेगा, दोनों स्थितियों में हमें क्या देखने को मिलेगा, अंतः श्वसन या इंस्पिरेशन हमें देखने को मिलेगा. बोथ फर्स्ट एंड सेकंड सिचुएशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, इंस्पिरेशन देखने को मिलेगा. ठीक है, आगे चलिए. बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, आप देखेंगे केमिस्ट्री की जो हमारी एनसीईआरटी है वहां इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है 12th में, और ये लिंक है रेस्पिरेटरी सिस्टम से, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग. देखिए समुद्री गोताखोर जब अत्यंत गहराई तक जाता है तो उसे उच्च दाब पर यानी हाई प्रेशर पर उसे क्या दी जाती है, कंप्रेस्ड एयर दी जाती है. इसके कुछ समय बाद वह बेसिकली ड्राउजी और फैटिक थकान की अनुभूति करता है, तो इसका क्या कारण है. तो देखिए क्या हो जाता है, जब कंप्रेस्ड एयर, जब क्या होता है नीचे की तरफ जब प्रेशर जो है वहां पर कंप्रेस्ड एयर अगर हम लोग उसे दें, नॉर्मल हमारी जो एयर है कंप्रेस्ड एयर वो अगर हम दें, तो उसमें सबसे ज्यादा जो अमाउंट है वो नाइट्रोजन का है. तो नाइट्रोजन जो है ना ज्यादा मात्रा में, मोर नाइट्रोजन डिफ्यूज होती है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से उसको इस तरीके की अनुभूति बेसिकली होती है, एज कम क्योंकि ऑक्सीजन की भी कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी. और जब वो बाहर आएगा तो उसे एकदम से हम जो है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में नहीं रखते, हम उसे एक स्पेशल प्रेशराइज्ड कंपार्टमेंट में रखते हैं कुछ समय तक, ताकि क्या हो कि नाइट्रोजन जो है वो अगर एकदम से हम उसे बाहर छोड़ देंगे तो नाइट्रोजन बाहर आएगी ब्लड से और बबल्स का फॉर्मेशन करेगी, और इसके कारण बहुत सीवियर कंडीशन हो सकती है. अगर ये बबल किसी कैपिलरी जो ब्रेन को सप्लाई कर रही है वहां बन गया तो ब्लॉकेज हो सकता है. तो नाइट्रोजन के कारण ये सारी जो है कंडीशंस होती है. तो सही आंसर कौन सा हो गया हमारा, थर्ड ऑप्शन. ठीक है, आगे चलते हैं. सेम PCO2 कहां मिलेगा, देखिए एल्वुलाई में और टिश्यू में. एल्वुलाई में तो कितना है 40, टिश्यू में कितना है 45, गलत हो गया. ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गलत बात हो गया. ऑक्सीजनेटेड में 40, डीऑक्सीजनेटेड में 45. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वुलाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना हो गया 45, एल्वुलाई में कितना है 40, तो गलत हो गया. एल्वुलाई एंड इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एल्वुलाई में कितना है 40 और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी कितना है 40. ये वो रीजन है जिसमें आपको सेम पार्शियल प्रेशर PCO2 का देखने को मिलेगा कोशिकाओं में तथा ऑक्सीजनित रक्त में. इसी वजह से 55 का सही आंसर कौन सा गया, 4. ठीक है, आगे चलते हैं. सेलेक्ट कंडीशन जिसके कारण शिफ्टिंग हो रहा है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, अब उल्टा कर दीजिए इसको, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, यानी HB और O2 जुड़ करके क्या बनाना पसंद कर रहे हैं, HbO2 बनाना पसंद कर रहे हैं. तो हाई PCO2 तो दुश्मन हो गया, हाई टेम्परेचर दुश्मन हो गया, लेसर H+ आयन कंसेंट्रेशन, ये बात बिल्कुल सही हो गई, और ये भी एक तरीके का नेगेटिव फैक्टर हो गया. तो अगर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कम है तो HbO2 जुड़ना पसंद करेंगे. ध्यान रखिएगा देखिए कुछ फैक्टर्स हैं, PCO2 के बाद में H+ आयन कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर, ये जब भी क्या होंगे राइज होंगे ना, तब भी आप ध्यान रखिएगा कि HbO2 ब्रेक डाउन होकर के क्या बनाना पसंद करेंगे, HbO2 बनाना ब्रेक पसंद करेंगे. और इस कंडीशन में जो हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व है या ग्राफ है वो किस तरफ मूव करेगा, राइट की तरफ मूव करेगा. ठीक है, ये कुछ कंडीशंस थी, यहाँ लेफ्ट की तरफ मूव कराना है तो लेसर H+, अगर कम H+ है तो एक अच्छी बात होगी. इसलिए आंसर क्या गया इसका, निम्न हाइड्रोजन सांद्रता. ठीक है, चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल वॉल, यानी म्यूकोसल वॉल जो है स्टोमक की उसके प्रोटेक्शन में कौन मदद कर रहा है, किससे, हाईली कंसेंट्रेटेड एसिड से. तो देखिए बाइकार्बोनेट और म्यूकस दोनों मिलकर के क्या करते हैं, जो हाई बेसिकली क्या होता है, जो pH बहुत ज्यादा लो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण, तो उससे वहां की वॉल डैमेज ना हो तो ये उसके क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. इसी वजह से आंसर क्या गया, बोथ, यानी बाइकार्बोनेट भी और म्यूकस. ठीक है, आगे चलिए. कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम ब्रेक डाउन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम किसको ब्रेक डाउन करता है. तो देखिए कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम जो है वो लार्ज पेप्टाइड्स को किसमें तोड़ने का काम करता है, स्मॉलर पेप्टाइड्स में. ठीक है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज किसको करेगा, लार्ज पेप्टाइड्स को किसमें, स्मॉलर पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन करने का काम करेगा.
बाकी के आप देखेंगे तो ये तीनों के तीनों जो ऑप्शंस हैं ये गलत है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए तो एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ बॉल मूवमेंट, एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी बॉल मूवमेंट की और इंक्रीज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी जो है फीकल डिस्चार्ज की वो अगर इंक्रीज हो जाएगी तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाना फीकल की, यानी कि जो मल है उसकी तरलता बढ़ जाए, तो बिल्कुल आंसर क्या होगा, दस्त लगना या जिसे हम कहते हैं प्रवाही का, और इसको इंग्लिश में हम बुलाते हैं डायरिया की ये कंडीशन है, ठीक है। चलिए ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप सभी का सही हुआ होगा। जो ए है वो किसको शो कर रहा है? पेरिंग्स को शो कर रहा है। जो डी है वो कौन है? बॉल ब्लैडर। ए जो है वो कौन है? फेरिंग्स है। बी जो है वो कौन है? ड्यूडेनम। और जी डी सी कौन है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो देख लीजिए ए पर फेरिंग्स, ए पर फेरिंग्स मतलब थर्ड गलत हो गया, आगे देखना ही नहीं है। बी पर ड्यूडेनम, बी पर ड्यूडेनम, बी पर ड्यूडेनम, यहां पर अपेंडिक्स दे दिया, ये गलत हो गया। अब ए और फर्स्ट और फोर्थ में से सी पर अपेंडिक्स, सी पर अपेंडिक्स, बिल्कुल सी पर अपेंडिक्स की अगर हम लोग बात करें, और डी पर गॉल ब्लैडर, सही है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ए पर देख लीजिए ग्रसनी है, डी पर देख लीजिए पिताशय है, बी पर ग्रहणी है, और सी पर क्या है? परिशेषिका यानी कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, किस में डाइजेस्ट करता है? देखिए ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। ट्रिप्सिन कहां पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। मीडियम कैसा है? एल्कलाइन मीडियम है, तो स्टोमक में नहीं करेगा, किस में करेगा? ड्यूडेनम में करेगा। और कौन से मीडियम में करेगा? एल्कलाइन मीडियम में करेगा, क्षारीय माध्यम में, किस में? ग्रहणी में। इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा हुआ? फोर्थ ऑप्शन। नंबर ऑफ टीथ दैट इरप्ट वंस इन ए लाइफ, तो मैंने आपको बताया था कौन से होते हैं? प्री मोलर्स और लास्ट मोलर। तो एक मोलर यहां, एक मोलर यहां, एक मोलर यहां, एक मोलर यहां, तो फोर तो क्या हो गए हमारे पास में, अगर हम लोग देखें बच्चों तो फोर तो क्या हो गए हमारे पास में? मोलर्स। और दो कौन है? प्री मोलर। तो दो और दो चार, यानी 2+2=4, और 2+6 और 2+8, यानी 8 प्री मोलर और 4 मोलर। तो 8 प्री मोलर और 4 मोलर हमें कहां दे रखा है? देखिए 4 फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा है, तो इसी के तहत हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनकरेक्ट बताना है हमें, किसके रिगार्डिंग बताना है? इनकरेक्ट लैरिंग्स के रिगार्डिंग, साउंड बॉक्स के रिगार्डिंग। बोनी बॉक्स है, गलत है, यही हो गया हमारा पहला ऑप्शन। कि अस्थि पेटी का कोड़ी है, ये तो कैसी है बल्कि उपास्थि पेटी का है। लैरिंग्स किसका बना हुआ होता है? कार्टिलेजेस का बना हुआ होता है, बोन का बना हुआ नहीं होता। इसी वजह से हमारा सही आंसर क्या आ गया बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आगे चलिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स टेक्स प्लेस। तो देखिए गैसेस का एक्सचेंज एल्वियोलाई में किसके द्वारा होता है? सिंपल डिफ्यूजन, सामान्य विस्तरण के द्वारा होता है। कोई सोचने समझने की बात ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन है, मुंबई की वानखेड़े की पिच की जैसे, ये आओ सीधा और गेम स्टेडियम से बाहर। चलिए, कीमो सेंसिटिव एरिया जो कि सिचुएटेड होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि हमारे मेडुला ऑब्लेंगटा में है, वो किसके लिए? हमेशा जब भी देखिए रिसेप्टर्स पूछे जाएं, कीमो सेंसिटिव एरिया पूछा जाए, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा CO2 का इंक्रीज्ड जो लेवल है और H+ का इंक्रीज लेवल है, यानी CO2 और H+ इन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि हमें थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, बाकी कुछ भी दे देगा तो वो गलत होगा। तो सही आंसर क्या जाएगा? CO2 और H+, ठीक है। चलिए, पेशेंट डायबिटीज मेलिटस का ग्लूकोज एक्सक्रीट करता है यूरिन में, और जबकि उसे रखा किस पर गया है? कार्बोहाइड्रेट की डाइट पर रखा गया है। तो बताइए कि ग्लूकोज कहां से आ गया यूरिन में? देखिए अमीनो एसिड जो है वो एनाबोलाइज्ड होकर के लीवर में शुगर, बिल्कुल अमीनो एसिड ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू बना तो सकते हैं बट कैटाबोलाइज्ड होंगे, यानी कि वो उनका क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, देन वो ग्लूकोज को पैदा कर सकते हैं, इसलिए तो गलत हो गया। अमीनो एसिड्स आर डिस्चार्ज इन ब्लड स्ट्रीम, ये गलत हो गया, अमीनो एसिड से ग्लूकोज का यहाँ पर सीधा कोई डिस्चार्ज से रिलेशन नहीं है। फैट्स आर कैटाबोलाइज्ड टू फॉर्म ग्लूकोज, ये बिल्कुल सही बात है, और ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है क्या? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब कि जो नॉन कार्ब
वो हाइड्रेट है उनसे क्या बनना, कार्बोहाइड्रेट बनना, जैसे कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ये प्रोसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। इसी कारण हमें क्या मिल सकता है, ग्लूकोज देखने को मिल सकता है। आंसर थर्ड हो गया। डाइजेशन क्या है, ब्रेकडाउन है किसका, लार्ज फूड का छोटे मॉलिक्यूल्स में। और इसका पर्पस क्या है, तो देखिए पर्पस अगर है, अगर आप पढ़ोगे इसको तो थर्ड ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है, अपनी तरफ इशारा कर रहा है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए और एंजाइमेटिक रिएक्शंस है जो डाइजेस्टिव जूस है वो अच्छे से कॉन्टेक्ट में आ पाए फूड के लिए, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा और एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो प्रॉपरली अगर हो पाएगी, तो ये इसका क्या हो गया, सबसे इंपॉर्टेंटली रीजन हो गया। तो इसलिए आंसर भी क्या गया हमारा बच्चों, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रिया, बहुत ये मुंबई की वानखेड़े की पिच की जैसा क्वेश्चन आया है, किसी का गलत नहीं हुआ होगा। क्या पूछा है, एक्सोक्राइन पोर्शन किसका, एक्सोक्राइन पोर्शन पैनक्रिया का क्या सीक्रेट करता है, स्टीएप्सिन। स्टीएप्सिन क्या है बच्चों, ध्यान रखिएगा, स्टीएप्सिन क्या है, एक तरीके का पैनक्रियाटिक लाइपेज है, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ये किसका डाइजेशन करता है, फैट्स का, ध्यान रखिएगा। और किसमें प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, सभी का सही हुआ होगा आपका। थर्ड के बाद नेक्स्ट में चलिए, ये भी एकदम सिंगल शॉट, कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन की कैलोरीफिक वैल्यू पूछी है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू नहीं पूछी, कैलोरीफिक जो हम बॉम्ब कैलोरीमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 4.1, 9.45, 5.65 ये जो है क्या हो गए हमारा सही करेक्ट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो देखिए जो ए पार्ट है वो तो किसको शो करेगा, इजोफेगस को। बी पार्ट है वो किसको शो करेगा, फंडस को। सी किसको शो करेगा, कार्डिक को। डी किसको शो करेगा, पाइलोरिक को। तो ढूंढ लीजिए, ए पर इजोफेगस, बी पर फंडस, सी पर कार्डिक, डी पर पाइलोरिक। फर्स्ट ऑप्शन ही सही आंसर हो गया, ए पर इजोफेगस बता दिया, बी पर फंडस बता दिया, सी पर पाइलोरिक बता दिया, गलत हो गया। ए पर इजोफेगस बता दिया, बी पर ही पाइलोरिक बता दिया, गलत हो गया। A पर इजोफेगस बता दिया, B पर पाइलोरिक बता दिया, गलत हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा, बहुत आसान सा क्वेश्चन। और यहाँ पे ध्यान भी रखना है, अगर ये पूछ लेता तो E पार्ट पर क्या होता था, बॉडी। E पार्ट पे क्या हो जाता, बॉडी हो जाता, पर वो यहाँ दिया नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना है सही आंसर कौन सा हो गया हमारा, फर्स्ट ऑप्शन। आगे चलिए, ये भी बिल्कुल एनसीईआरटी का फ्लैट क्वेश्चन। तो ए गॉल ब्लैडर है, बी उसकी सिस्टिक डक्ट है, सी जो है लीवर से डक्ट आ रही है, डी क्या है, पैनक्रियाज है। ए पर गॉल ब्लैडर ढूंढो, इस पर नहीं दे रहा, गलत हो गया। तीनों पर गॉल ब्लैडर, बी क्या है, डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, हो सकता है बी पर डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, ए बाइल डक्ट बोल दिया, गलत हो गया। अब दोनों में से आंसर होगा, सी पर पैनक्रिया बता रहा है, सी पर पैनक्रिया थोड़ी है, गलत। तो सी पर क्या है, डक्ट फ्रॉम लीवर, और डी पर क्या है, पैनक्रिया है। डी पर कौन है, पैनक्रिया। सी क्या है, डक्ट्स फ्रॉम लीवर, और ए क्या है, गॉल ब्लैडर। ए क्या है बच्चों, गॉल ब्लैडर, और बी क्या है, डक्ट हो गई, किसकी, गॉल ब्लैडर की। तो इसलिए सही आंसर कौन सा हो गया हमारा, थर्ड ऑप्शन। चलिए करेक्ट स्टेटमेंट है, पैनक्रिया हेटरोक्राइन ग्लैंड है, सही है। एक्सोक्राइन पार्ट जो है पैनक्रिया का वो हार्मोन सीक्रेट करता है, गलत बात है। एंडोक्राइन पैनक्रिया का जो है वो एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, गलत बात है। पैनक्रिया एंडोक्राइन ग्लैंड है, गलत बात है। सही क्या है, पहला हेटरोक्राइन ग्लैंड, ऐसी ग्रंथियां, ऐसे ग्लैंड्स जो एक्सोक्राइन पोर्शन भी जिनमें प्रेजेंट हो और एंडोक्राइन भी हो, मतलब डक्ट्स के थ्रू एंजाइमेटिक सीक्रेशन भी वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हॉर्मोन्स भी बना रहे हो। ये दोनों फीचर अगर एक ही ग्लैंड में हो तो वो कैसे कहलाएगी, मिक्स ग्लैंड या फिर हेटरोक्राइन ग्लैंड हम लोग उसे कहेंगे। तो सही आंसर कौन सा हो गया 72 में बच्चों, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, एंजाइम इन्वर्टेज सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है, कोई शक की बात ही नहीं है, बहुत आसान सा फ्लैट क्वेश्चन, ठीक है ना, याद है ना। इन्वर्टेज सारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो एनसीईआरटी में मेंशनड है, टिप्स में आप लोगों को याद होनी ही चाहिए, इसका कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। चलिए, विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट की हमें बात करनी है। वेट लीवर का, बिल्कुल सही बात है, लीवर एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड है और उसके दो लोब हैं, सही बात है। हेपेटिक लोब्यूल जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, सही बात है। हेपेटोसाइट
को फेगोसाइटिक बता दिया, गलत बात है ना यार। कूफर सेल्स फिर क्या करेगी वहां पर? हेपेटोसाइट्स तो क्या है, ये तो वो सेल है जो बाइल वगैरह बना रही है, कूफर सेल्स होती है फेगोसाइटिक, तो गलत हो गई। इनकरेक्ट किसके रिगार्डिंग? लीवर के रिगार्डिंग। तो बिल्कुल आगे चलते हैं। Which of the following is not a matching pair? Kupffer cells जो है, phagocytic cells है, अभी देखिए, अभी हमने पहले बिल्कुल भी कहा था, बिल्कुल है, सही बात है। Pair patches जो है, lymphoid tissue है, ileum में, सही बात है। Haustra जो है, वो pouch होते हैं, water का absorption को बढ़ा देने के लिए, Haustra तरीके के pouch हमें कहाँ मिलते हैं? Colon में मिलते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना इसको, भित्ति में, प्रधान की भित्ति में, ओस्टन। विल्ली जो है, present in colon, ये बात यहाँ पर गलत हो गई। विल्ली जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का, कोलोन में प्रेजेंट नहीं होती, इसी वजह से गलत पूछा था, नहीं मैचिंग जो पूछी थी, तो इसी वजह से मैचिंग जो है गलत हो गई, किसमें? हमारे फोर्थ ऑप्शन। सेल्स ऑफ पैनक्रियाज खुद के एंजाइम से डाइजेस्ट क्यों नहीं होते? ठीक है, बिकॉज क्योंकि वो किस फॉर्म में सीक्रेट किए जाते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट किए जाते हैं। अब देखिए ट्रिप्सिनोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, और खासकर देखिए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है जिनका खतरा होता है, क्योंकि प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो इनकी ब्रेकडाउन का हमें, इनसे हमें मेनली खतरा है। बट प्रोटीन डाइजेस्टिंग जो एंजाइम्स है वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट किए हैं। ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को किस में चेंज कर देगा? ट्रिप्सिन में चेंज कर देगा। तो यही वो रीजन है जिसके कारण पैनक्रिया वो खुद के एंजाइम से खतरा नहीं होगा। ठीक है, बाकी की अगर आप लोग देखोगे तो ये कोई भी यहाँ पर एक तरीके का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, इस तरह से सही आंसर या मोर करेक्ट आंसर जो है वो निष्क्रिय या फिर अक्रिय रूप में स्त्रावित होते हैं। मैमेलियन लीवर इट्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, देखिए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? हेपेटिक लोब्यूल्स है, और वो किसके थ्रू है, किसका किसके थ्रू बेसिकली होंगी? कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, क्या होगा वहां पर मेनली अगर हम देखें तो, देखिए गिल्सन कैप्सूल्स हैं और कूफर सेल्स हैं, ये दोनों के दोनों जो है वो इसकी विशेषता है, क्योंकि गिल्सन कैप्सूल भी लीवर में देखने को मिलेंगे और कूफर सेल्स भी फेगोसाइटिक सेल्स हैं, किसकी? लीवर की। इसी वजह से इसका सही आंसर कौन सा गया बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर चला गया। तो ये यहां तक की बात हो गई हमारी बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए ए सीक्रेशन दैट डाइजेस्ट बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, यानी वो सीक्रेशन जिसमें कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हो और प्रोटीन्स को भी, तो ऐसा सीक्रेशन आप ऑब्वियसली पैनक्रियाटिक जूस है, अग्नाशय रस जो है उसमें इस तरह के दोनों एंजाइम होते हैं, तो थर्ड ऑप्शन हो गया। क्या होगा अगर पैराइटल सेल जो है, देखिए पैराइटल सेल किसका सीक्रेशन करते हैं आपको दिमाग में रखना है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड की उन्हें हमें हमने किसी इनहिबिटर से क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। तो देखिए क्या होगा कि बेसिकली जब हमने इस तरीके से इनको ब्लॉक कर देंगे तो पैराइटल सेल से जो सीक्रेशन है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होना है, तो जब उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्लॉक हो जाएगा तो देखिए एंटेरोकाइनेज जो है इसका स्टोमक से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। गैस्ट्रिक जूस विल बी डेफिक्ट इन काइन, ये भी बिल्कुल गलत है, काइन में जठर रस कम हो जाएगा, तो इसका भी यहाँ पर कोई ऐसा सिग्निफिकेंट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जठर रस के साथ जो गैस्ट्रिक जूस है उसके साथ कॉम्बिनेशन के बाद में ही काइन बनता है। पेप्सिनोजन विल बी डेफिक्ट, पेप्सिनोजन डेफिक्ट नहीं होगा क्योंकि पैराइटल सेल की बात हो रही है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सीक्रेशन के एब्सेंस में जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा किसमें? एक्टिव पेप्सिन में। बात आ रही समझ में? यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एब्सेंस में जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इसी वजह से हमारा जो 79th नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा उसमें हमारा सही आंसर कौन सा गया? फोर्थ ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम दैट सीक्रेट ओनली इन इन्फेंट्स, यानी कि वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो किसमें सीक्रेट होता है? केवल इन्फेंट्स में सीक्रेट होता है, तो ध्यान रखिएगा आर ई डबल एन आई एन, डबल एन आ जाए तो एंजाइम की बात कर रहा है, सिंगल एन आए तो हार्मोन या वहां पर जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है रेनिन उसकी बात हो रही है। तो केवल जो इन्फेंट्स है उनमें अगर हम देखें लैक्टेज भी हो सकता है, इंटेस्टाइनल लाइपेज भी है, काइमोट्रिप्सिन भी हो सकता है, बट रेनिन जो है वो किसमें मिलेगा हमें? केवल इन्फेंट्स में देखने को मिलेगा, सीक्रेशन जो है इसका इन्फेंट्स में होगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो एक्टिवेटेड फॉर्म में जो अपना रोल प्ले कर जाएगा वो इन्फेंट्स में ही रोल प्ले कर पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
Which of the following component of food required in very small quantity? सबसे कम मतलब कम मात्रा में हमें किसकी requirement है? NCERT के शुरुआत वाले जो पेज है उसी में स्टार्टिंग में ही ये हमें दे रखा है साफ तौर पे कि जो विटामिन्स और जो मिनरल्स होते हैं वो हमें ये वो भोजन के घटक हैं जो हमें निम्न मात्रा में क्या होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है ठीक है आगे चलती है मेजोरिटी ऑफ मैमल जिसमें ह्यूमन में शामिल है कितने सेट है टीथ के प्रेजेंट होते हैं उसकी पूरी जिंदगी में तो ये भी एक NCERT की लाइन है ठीक है कितने सेट होते हैं डेंटेशन है तो दो जो सेट है टीथ के वो प्रेजेंट होते हैं पूरे के पूरे अगर हम लोग लाइफ पीरियड की बात करें एपिथीलियम जो विसरल ऑर्गन्स की जो एपिथीलियम है वो किस नाम से जानी जाती है बच्चों मीसोथेलियम के नाम से जानी जाती है ये भी हमारा सिंगल शॉट एनसीईआरटी की लाइन है ये अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो ये आपका बिल्कुल सही हुआ होगा आंसर मीसोथेलियम हम बुलाते हैं जो जो आंतरिक अंग है उनकी उपकला देखिए ए क्या हो गया यहाँ पर ओरल कैविटी हो गया क्योंकि उससे किस में खुल रहा है फेरिंग्स में अब लंग्स में जाने से पहले यहां पर कौन आएगा बच्चों लैरिंग्स और सी में यहां पर कौन आएगा अगर हम लोग देखें तो देखिए सी पर कौन लेकर जाएगा ईजो फेगस अगर हाँ इसकी हम लोग बात करें तो यहां पर थोड़ा सा देखिए कंफ्यूजन हो सकता है पहले हम देखें ओरल कैविटी ये दोनों का आंसर गलत हो गए ओरल कैविटी डीपर लैरिंग सी पर ट्रैकिया ये गलत हो गया ठीक है क्योंकि ट्यूब की बात कर रहा है तो अब यहां पे हम फिर क्या लेंगे ट्रैकिया लेंगे ठीक है क्योंकि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर लगाना है तो अब देखिए ये पूरा सेट हो गया ए पर ओरल कैविटी बी पर ट्रैकिया सी पर इसोफेगस तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर चलिए पेशेंट जो एडवाइज है वो कंज्यूम ज्यादा मीट पल्स और एग्स जो है डाइट इन सभी को लेने की एडवाइस कौन से रोग में की जाती है तो अगर हम लोग इसको देखें बच्चों 85 के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें तो आप सभी देखिए सारे के सारे जो फूड कंपोनेंट्स हैं ये प्रोटीन रिच कंपोनेंट है तो कहीं ना कहीं प्रोटीन से रिलेटेड बात हो रही है तो इसके हिसाब से जब हम ऑप्शंस को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं तीनों की तीनों जो है वो विटामिन की डेफिशिएंसी वाले डिजीजेस हैं तो कोशियोर पर जो है ये वो एक एक्यूरेटली रीजन हो सकता है हमारा इसी वजह से सही आंसर कौन सा गया हमारा बच्चों फर्स्ट ऑप्शन ठीक है विच सीक्रेशन कंटेन नो एंजाइम तो बाइल जूस पुराने जमाने में क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपका सभी का सही हुआ होगा कि बाइल जूस में एंजाइम नहीं होते इन कंसेप्ट को दोबारा हमें देखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि कई बार ऐसे ही साधारण कंसेप्ट में पूछा गया क्वेश्चन गलत हो जाता है ठीक है आगे चलिए बिलिरुबिन बिलिरुबिन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए ए पर हो गया हमारा बाइल से रिलेटेड है हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च जो है यानी बी जो है वो कौन करता है फोर्थ करता है डाइजेशन ऑफ फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो कौन सा होता है लाइपेज होता है सेलेबरी ग्लैंड जो है डी पर वो कौन है हमारी पैरोटिड है यानी कौन सा हो गया आंसर सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट थर्ड आंसर जो है हमारा 87 का वो क्या हो गया करेक्ट मैचिंग थी इस वजह से सही आंसर जो है हमारा 87 का कौन सा हो गया बच्चों थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आगे चलिए जाइमोजन और चीप सेल्स मेनली कहां पे मिलेंगे देखिए जाइमोजन और चीफ सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो ये हमें कहां पर देखने को मिलते हैं बच्चों फोर्थ ऑप्शन देखिए जो फंडिक पार्ट है वहां पर हमें ये जो सेल्स हैं देखने को मिलेंगे जाइमोजन सेल्स और चीफ सेल्स जो बेसिकली किसका है जाइमोजन जो है इनएक्टिव फॉर्म में जो एंजाइम्स हैं उनका सिक्रेशन जैसे कि पेप्सिनोजन की सिक्रेशन जो है वो यहाँ पर ये करती है इसी वजह से फंडिक पार्ट में ये मेनली क्या होती है पाई जाती है तो इसलिए आंसर क्या गया 88 में ज्यादा करेक्ट कौन सा हो गया फोर्थ 89 CO2 कंसंट्रेशन के लिए कौन सी बात सही है ये हम पहले भी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है तो CO2 कंसंट्रेशन जो है ना बच्चों अगर हम लोग देखें कंसंट्रेशन की बात करें तो CO2 कंसंट्रेशन किसमें हमें ज्यादा देखने को मिलेगी तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए आप इसका एल्वियोलर एयर में हमें ज्यादा देखने को मिलेगी किसके कंपेयर में एक्सपायर्ड एयर के कंपेयर में क्यों ऐसा होता है क्योंकि जो हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम जो कंडक्टिंग पार्ट जो है उसमें जो एयर भरी हुई रहती है जब CO2 एल्वियोली से बाहर निकलती है तो वो उसके साथ मिक्स हो जाती है तो ओवरऑल जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है यही वो रीजन है कि हमें एल्वियोलर एयर में ज्यादा देखने को मिलती है किसके कंपेयर में एक्सपायर्ड एयर के कंपेयर में
इसलिए सही आंसर क्या गया फर्स्ट। तो ये गलत हो गया, ज्यादा बता रहा है, इंस्पायर्ड एयर भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। सही आंसर कौन सा हो गया फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, न्यूक्लियस जो है पैनक्रियाटिक जूस पर वो न्यूक्लिक एसिड पर एक्ट करता है और क्या बनाता है न्यूक्लियोटाइड बनाता है। सही बात है। कार्बोहाइड्रेट जो काइन में प्रेजेंट होते हैं वो पैनक्रियाटिक अमाइलेज द्वारा डाइसैकेराइड्स में तोड़े जाते हैं। ये बात भी सही है। काइन क्या है, जब गैस्ट्रिक जूस फूड पर काम करता है और वो जब इंटेस्टाइन में आता है तो उसे हम क्या बुलाते हैं काइन, जो कि एसिडिक होता है। पेप्टोन्स जो है वो पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है। सही बात है। पेप्सिन कन्वर्ट्स ऑल प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, सभी प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में जो है वो पेप्सिन नहीं बदलता, इसी वजह से जो फोर्थ स्टेटमेंट है हमारा वो कैसा हो गया बच्चों, गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए सर्कुलेटरी के क्वेश्चंस जो है वो स्टार्टेड हो गए। एनसीईआरटी बेस्ड फ्लैग क्वेश्चन, पेसमेकर की लोकेशन राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, दाएं आलिंद के दाहिनी ऊपरी कोने पर स्थित। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहां कहां होता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, गलत होने की सवाल ही पैदा नहीं होता। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, यहां पर कौन सा वॉल्व मिलेगा ट्राइकस्पिड, यहां पर कौन सा मिलेगा बाइकस्पिड। ठीक है, क्योंकि इसमें थ्री कस्प्स होते हैं तो ये क्या मिलेगा ट्राई और ये क्या मिलेगा बाई। तो ट्राई कस्पिड किस किस के बीच में है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो राइट ऑरिकल और पल्मोनरी ओरोटा गलत, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मस्कुलर वॉल किस में प्रेजेंट होती है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर वॉल इज प्रेजेंट। तो मसल्स देखिए यहां पर केवल आर्टरी में प्रेजेंट है, इन दोनों में केवल सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की जो है वो लेयर पाई जाएगी, पर आर्टरी जो है उसमें हमें मसल्स की लेयर भी देखने को मिलेगी। इसलिए आंसर इसका क्या आ गया 93 में फोर्थ ऑप्शन। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट जब करेगी तब ब्लड पंप किस में होगा, ऑब्वियसली एर्टा में होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या अराइज होती है, वही हर्ट के डायग्राम की हम लोग बात करें तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गई। यहां से देखिए कौन निकल रही है, ये कौन सी स्ट्रक्चर है एर्टा, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड किस में जाएगा एर्टा में जाएगा, इसलिए आंसर क्या गया महाधमनी। Which of the following character of a vein cannot differs? यानी अब हमें ऐसा character चाटना है जो artery से अलग नहीं हो, ध्यान से समझिएगा। Having valve का पाया जाना अलग करता है। Narrow lumen, ये तो गलत ही हो गया, narrow lumen होती ही नहीं है। कैसी होती है, lumens का size जो है veins में बड़ा होता है, तो गलत हो गया। Having muscular wall, muscles की wall का क्या होना पाया जाना। तो देखिए muscular wall जो है वो वेन में भी मिलेगी आर्टरी में भी मिलेगी, तो ये कैरेक्टर जो है ना वो आर्टरी को वेन से डिफर नहीं करता, बाकी के कैरेक्टर्स जो है डिफर कर सकते हैं। जैसे कि मैक्सिममली वेन्स में क्या बहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी अधिकतर क्या बहेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखिए संकरी गुहा होती है तो ये गलत हो गया ना, इसलिए हमने सेकेंड की तो बात करेंगे ही नहीं हम। प्रवाह नियंत्रित करने के लिए कपाट होते हैं, तो ये बात एकदम सही है, बट इससे हम वेन को और मतलब शीरा को और धमनी को अलग अलग कर सकते हैं। तो पेशी भित्ति होती है, तो पेशी भित्ति धमनी में भी है और शीरा में भी है, इसी वजह से 95 में सही आंसर क्या गया थर्ड। आगे चलिए, डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो कम होता है सिस्टोलिक प्रेशर से, बिल्कुल सही बात है। सिस्टोलिक कितना है 120, डायस्टोलिक कितना है 80, क्यों है कम। तो देखिए जो सिस्टोलिक प्रेशर है उसके दौरान संकुचन होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है वेंट्रिकल्स में, तो उसके दौरान क्या होता है जो ब्लड होता है वो पंप किया जाता है किन में आर्टरीज में, बट डायस्टोल के दौरान पंपिंग नहीं होती, इसी वजह से जो प्रेशर जो हम मेजर करते हैं ब्रेकियल आर्टरी में वो हमें क्या मिलता है कम मिलता है। तो ब्लड इज नॉट फोर्स्ड इनटू द आर्टरीज ड्यूरिंग डायस्टोल, तो फोर्थ आंसर इसलिए हमारा बच्चों क्या हो गया सही हो गया। ठीक है, बाकी सब में सिस्टोलिक की बात कर रहा है तो वैसे ही गलत है। दूसरी हर्ट साउंड कौन सी होती है, डप होती है। फर्स्ट हर्ट साउंड लव एवी वॉल्व्स के बंद होने से, डब सेमीलूनर वॉल्व्स के बंद होने से। अब सेमीलूनर वॉल्व कब बंद करेंगे, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल का एंडिंग चल रहा होगा, तो एट द एंड ऑफ बेसिकली अगर हम कहें या सॉरी वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल है उसकी एंडिंग चल रही होगी तो उस दौरान पे क्या होंगे जो वॉल्व है वो बंद होंगे, तो डब साउंड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसी वजह से आंसर क्या गया 97 में बच्चों, कौन सा आंसर चला गया थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलिए मैच करना है आपको, क्या करना है करेक्टली मैच को
आपको यहाँ पर देखना है। हर्ट को तो इसने एक्सचेंज गैसेस की साइट बता दिया, गलत। कैपिलरी का जो है वो रेड कलर, गलत हो गया। तो ब्लड जो है पंपिंग स्टेशन, गलत हो गया। प्लाज्मा जो है वो 55% पार्ट होता है ब्लड का। तो ये जो है वो कॉलम जो है बेसिकली क्या हो रहा है, सही तरह से मैच हो रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया। चलिए हम शतक लगाने के करीब है, 99 पे पहुंच चुके हैं। राइट एट्रियम, राइट एट्रियम की अगर हम लोग बात करें तो देखिए राइट एट्रियम किससे ब्लड रिसीव करेगा, तो राइट एट्रियम किससे रिसीव करेगा, वेना केवा से। राइट वेंट्रिकल किससे रिसीव करेगा, राइट एट्रियम से, यानी कि थर्ड। लेफ्ट एट्रियम किससे रिसीव करेगा, पल्मोनरी वेन से, यानी कि फोर्थ। लेफ्ट वेंट्रिकल किससे रिसीव करेगा, लेफ्ट एट्रियम से, यानी टू थर्ड फोर वन, टू थर्ड फोर वन। आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है टू थर्ड फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, बाकी के यहां पर मैच नहीं होंगे। ये भी एक तरीके का मैच द फॉलोइंग है, सभी ने कर लिया होगा। कार्डिक साइकिल जो है उसका टाइम पीरियड अगर हम लोग देखें बच्चों तो कितना हो गया, 0.8 सेकंड। प्लाज्मा जो है वो अभी हमने देखा कितना है, 55%। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कितना है, 120 और 80। हीमोग्लोबिन की बात करें 12 से 16 ग्राम, यानी कि फोर्थ। और हार्ट बीट जो है वो कितनी है, 72। तो इसलिए 35241, 35241। तो आप देखिए सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैचिंग के हिसाब से हो जाएगा। फिर देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो ये पूछ रहा है कि कौन सा लेबल स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा CO2 वाला ब्लड जो है उसे रिलीज करता है हार्ट से। तो आप देखिए फोर्थ पर क्या है, फोर्थ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल जो है उसके अंदर होने वाले कॉन्ट्रेक्शन से जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में मूव करता है। और ये जो ब्लड है राइट एट्रियम में वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, यानी ज्यादा CO2 इसके अंदर है, इसी वजह से आंसर कौन सा गया उसमें हमारा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर अगर आप इसको देखोगे, देखिए कौन से इवेंट साइमल्टेनियसली साथ साथ में हो रहे हैं, तो ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलर, गलत हो गया। ऑरिकल का डीपोलराइजेशन मतलब एट्रिया में कॉन्ट्रेक्शन, वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रेक्शन, गलत बात हो गई। वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रेक्शन, ऑरिकल्स में कॉन्ट्रेक्शन, सिस्टोल यानी कॉन्ट्रेक्शन यानी संकुचन, तो गलत हो गया। ऑरिकल में डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल्स में रिपोलराइजेशन, गलत बात है। पहले डीपोलराइजेशन तो होगा तभी तो रिपोलराइजेशन होगा, गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन देखिए आप, अगर आपने कार्डिक साइकिल को बनाया होगा तो इस तरीके से देखिए कार्डिक साइकिल जो है उसमें ये जो है यहाँ पर ऑरिकल्स का होता है, फिर ये वेंट्रिकल्स का 0.3 सेकंड के लिए स्टार्ट होता है। तो ये जो है 0.1 सेकंड और फिर ये जो है नीचे वाला जो सर्किल है वो 0.3 सेकंड के लिए होता है। तो देखिए पहले एट्रियम में सिस्टॉल होगा फिर वेंट्रिकल्स में होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ढंग से बनाऊं तो ये ऊपर वाला देखिए एट्रिया के लिए है और ये जो नीचे वाले हैं ये हमने वेंट्रिकल्स के लिए बना लिया है जो सर्किल है। तो आप देखिए ऑरिकल डीपोलराइजेशन यानी ऑरिकल सिस्टॉल, और जब ऑरिकल सिस्टॉल चल रहा है तब देखिए वेंट्रिकल्स में क्या है, ये वेंट्रिकल्स में क्या चल रहा है, यहाँ पर वेंट्रिकल्स में भी क्या है, रिलैक्सेशन है, डायस्टॉल चल रहा है। यही रीजन है कि फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। 103 ड्यूरिंग पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से निकलेगा और कहां जाएगा, लंग्स की तरफ जाएगा। राइट वेंट्रिकल मूव्स टू द लंग्स, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर जो है उसमें 80 क्या रिप्रेजेंट करता है, 80 बेटा क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, 120 सिस्टोलिक और 80 क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो ये क्या है, लोएस्ट आइडियल आर्टेरियल प्रेशर है जो किस व्यक्ति के लिए होता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो किस अवस्था में है, विश्राम अवस्था में है। तो विश्राम अवस्था में न्यूनतम आदर्श धमनीय दाब क्या है, 80 mmHg। इसलिए आंसर कौन सा गया इसका, थर्ड ऑप्शन। देखिए अब करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखने हैं, केवल ल्यूकोसाइट डिसइंटीग्रेट होती है स्प्लीन और लीवर में, डिसइंटीग्रेट मतलब विघटित होना, गलत बात हो गई। आरबीसी मोस्टली डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट ये बोन मैरो में प्रेजेंट होती है, सही बात है। न्यूट्रोफिल हिस्टामिन सीक्रेट करती है, गलत बात है। इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है लिम्फोसाइट का वो क्या है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, तो ये सही बात है। तो सही कौन कौन सा है, तो देखिए सेकंड ऑप्शन सही है और फोर्थ ऑप्शन सही है। सेकंड और हमसे पूछा भी क्या है, करेक्ट पूछा है, तो सेकंड और फोर्थ हमें
फोर्थ ऑप्शन में मिल गया, इसलिए आंसर क्या गया इसका, फोर्थ ऑप्शन में। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, देखिए कैसे ट्रांसमिशन होगा, ऐसे नोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफिस, पर्किंजे फाइबर और हर्ट मसल, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, सेकेंड ऑप्शन इसकी करेक्ट आंसर। अगर हम देखें इस तरह की क्वेश्चन में तो क्या बोल रहा है, एवी नोड एक्ट एज ए पेसमेकर, पेसमेकर किसे बुलाते हैं, ऐसे नोड को बुलाते हैं, तो आगे का कॉन्सेप्ट भी पूरा खत्म हो गया, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होती है आंसर हो जाता है फोर्थ, दोनों कथन पहला और तथा सेकंड गलत है, क्योंकि अब इसने एवी नोड को लोकेटेड कहां पे कर दिया, बेसिकली नियर दी इंटर एट्रियल सेप्टम कर दिया, तो आप देखिए कथन प्रथम सही तथा इस तरीके का, देखिए जब भी पहला ऑप्शन गलत होता है ना, कथन पहला स्टेटमेंट गलत होता है, तो आंसर हमारा फिर क्या हो जाता है, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है, तो कथन प्रथम सही है तथा कथन सेकंड जो है वो गलत है, कथन ये दोनों कथन तो ऑब्वियसली आप इतना समझते ही है, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट ही अगर हमारा गलत हो जाए, हमें इन ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन्स हैं और ये उनके फंक्शन से रिगार्डिंग बात है, तो मैचिंग अगर हम करें तो देखिए फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन ऑब्वियसली किससे रिलेटेड है, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है, तो फर्स्ट आ गया ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिंस देखिए इम्यूनोग्लोबुलिंस IgG IgA, तो जी जो यूज कर रहे हैं वो ग्लोबुलिन प्रोटीन्स को यूज कर रहे हैं, तो बी में क्या आ गया हमारा, डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड है, सेकंड हो गया, और एल्बुमिन जो है वो हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है, जो ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल एल्बुमिन होता है, तो सी में हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ ऑप्शन जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है, आ जाइए इसको हमें बढ़ना है, एक्स वाई जेड को हमें पहचानना है, ब्लड ग्रुप ए है, अगर ए ब्लड ग्रुप होता है तो आरबीसी पे एंटीजन भी कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए, कोई फिलिंदी ब्लैंक है नहीं है, इसमें आ जाइए, ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन कौन सा होगा, ए बी, बट क्या ए बी एंटीजन होगा तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो क्या हो गया, नहीं, ओ ब्लड ग्रुप है, एंटीजन नहीं है, दोनों एंटीबॉडी है, और डोनर ग्रुप यानी किससे ले सकता है, केवल ओ से ही ले सकता है, तो हमें क्या छांटना है, ए निल ओ, तो देखिए ए निल ओ, ए निल ओ यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। न्यूट्रोफिल, ये बहुत ही डाटाबेस अच्छा क्वेश्चन है, अगर हम मैचिंग करें इसकी तो देखिए ए जो है न्यूट्रोफिल्स कितनी है, 60 से 65% होती है, सबसे ज्यादा अमाउंट में है, बेसोफिल्स की बात करें तो कम है, तो इसलिए बी में हो गया फोर्थ। मोनोसाइट की अगर हम लोग बात करेंगे ना बच्चों, तो मोनोसाइट की अगर हम लोग बात करें तो मोनोसाइट कितनी है, 6 to 8, यानी कि सी हो गया थर्ड। डी की बात करें, इयोसिनोफिल्स की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड, यानी 2 to 3%, और लिम्फोसाइट की बात करें तो ई में हो जाएगा हमारा फर्स्ट, तो देखिए 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, ये देखिए 5 4 गलत हो गया, ये गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर हो गया, 5 4 3 2 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए कौन सी इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है, बिना सोचे समझे ऑब्वियसली आपको सभी को पता है लसीका में यानी लिम्फोसाइट्स है वो एंटीबॉडीज में है, सेल मीडिएट हो गया, ह्यूमरल हो गया, जो बी लिम्फोसाइट है वो तो ह्यूमरल तरल प्रतिरक्षा, और जो टी लिम्फोसाइट है वो सेल मीडिएट इम्यूनिटी में हेल्प करती है। वापस से देखिए, तो बेसोफिल किसका सिक्रेशन कर रही है, ऑब्वियसली हिस्टामिन सेरोटोनिन और हेपेरिन का, इसलिए क्या चला गया सेकंड। न्यूट्रोफिल कैसी सेल्स है, फेगोसाइटोसिस, भक्षण कर लेती है। मोनोसाइट जो है वो भी कैसी सेल्स हैं, फेगोसाइटिक हैं फर्स्ट। इयोसिनोफिल्स जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस पे काम करती हैं, तो थर्ड। लिम्फोसाइट की वजह से हमें इम्यूनिटी मिल रही है, यानी सेकंड फर्स्ट फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड फर्स्ट फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड ऑप्शन मिल गया, बाकी देखिए ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो हमें सीधा एक हमने ढूंढा और हमें सही आंसर मिल गया, सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। चले आगे, चलिए टेस्ट ट्यूब में कोगुलेशन जो है यानी ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट करनी है हमें, तो हमें यहां पर आर्टिफिशियल एंटी कोगुलेंट हमें छानना है, तो आप देखिए ऑप्शंस को जब आप पढ़ोगे, ईडीटीए आप लोगों ने सुना होगा नाम,
ये एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल एंटीकॉगुलेंट है, तो ये हम टेस्ट ट्यूब में इसका यूज कर सकते हैं हम अगर ब्लड में क्लॉटिंग नहीं करवाना चाहते। ये कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है, फ्री कैल्शियम अवेलेबल नहीं होता तो क्लॉटिंग नहीं हो पाती, ठीक है। इसलिए 113 में सही आंसर क्या गया, सेकंड ऑप्शन। देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आरएच नेगेटिव पर्सन ब्लड डोनेट कर रहा है आरएच पॉजिटिव को दूसरी बार, तो क्या होगा। आरएच नेगेटिव है यानी कि कोई एंटीजन नहीं है, इसने ब्लड किसको दिया, पॉजिटिव वाले को दिया, तो पॉजिटिव वाले के पास एंटीजन है, नहीं है वाला ब्लड इसको मिला तो इसके अंदर एंटीबॉडी पैदा ही नहीं होंगे। एंटीबॉडीज का पैदा होते हैं जब पॉजिटिव वाला किसे देता, नेगेटिव वाले को, नेगेटिव ने पॉजिटिव को दिया है, एक बार दो, दो बार दो, तीन बार दो, कितनी बार भी ब्लड दे सकते हो, एंटीबॉडीज पॉजिटिव वाले में पैदा होंगे ही नहीं क्योंकि एंटीजन ही नहीं है। एंटीबॉडीज किसके रेफरेंस में बनते हैं, एंटीजन के अगेंस्ट बनते हैं, पर आरएच नेगेटिव है तो एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडीज ही नहीं बनेंगे, इसलिए नथिंग विल हैपन टू बोथ, दोनों को कुछ नहीं होगा, दोनों मजे में रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे, लिम्फेटिक सिस्टम एक इलैबोरेटेड नेटवर्क है जो क्या कलेक्ट करता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कलेक्ट करता है। ध्यान रखिएगा हमेशा कि अंतरराष्ट्रीय मैच हो रहा है देशों के बीच में, ऐसे ही अंतरवर्ल्ड आए मतलब कोशिकाओं यानी सेल्स के बीच में, और अंतः आए यानी सेल्स के अंदर की, ऐसे ही इंट्रा एक है इंटरस्टिशियल, इंट्रा मतलब सेल के अंदर, इंटरस्टिशियल मतलब सेल्स के बीच में, ठीक है। ब्लड फ्लो इन दी आपको क्लोज सर्कुलेटरी के सिस्टम के कैरेक्टर स्टार्ट में ब्लड फ्लो होता है ब्लड वेसल्स में, सही बात है। ब्लड डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होता है, नहीं होता। ब्लड तेज फ्लो होता है, सही बात है। ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, सही बात है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हो गए, सेकंड को छोड़ दो तो पहला तीसरा चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला ऑप्शन देखिए आप सही आंसर है, दूसरे के अतिरिक्त सभी। मैच कराना है आपको, फिशेस की बात करें एक एट्रियम एक वेंट्रिकल फर्स्ट, एम्फीबिया की बात करें दो एट्रिया एक वेंट्रिकल, मिक्सिंग हो जाएगी टू एट्रिया वन वेंट्रिकल यानी कि थर्ड। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल दे दिया, क्रोकोडाइल में दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल होते हैं, एक तरीके का एक्सेप्शन है। अगर हम लोगों ने रेप्टाइल्स जब हम देखते हैं तो वहां पे एज एक्सेप्शन यूज करते हैं मगरमच्छ के लिए, तो यहां पर दो एट्रिया दो वेंट्रिकल यानी कि सेकंड, तो फर्स्ट थर्ड सेकंड, फर्स्ट थर्ड सेकंड, फर्स्ट थर्ड सेकंड इज द करेक्ट आंसर इन फर्स्ट ऑप्शन। आगे चलिए, कौन सा करेक्ट है, हर्ट का एंडोडर्मल ओरिजिन बता रखा है जो कि कलर है। हर्ट का ओरिजिन क्या होता है, मेसोडर्मल। ह्यूमन हर्ट सिचुएटेड है दोनों लंग्स के बीच में और स्लाइटली टिल्टेड टू द राइट, राइट में टिल्ट नहीं होता, कहां पे होता है, लेफ्ट में होता है, गलत हो गया। हर्ट इज ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, हर्ट इज ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, हृदय एक द्वि भित्तीय झिल्ली युक्त बैग है, तो डबल जो है बेसिकली अगर हम लोग कहें हर्ट इज ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग और ह्यूमन हैंड हैज टू एट्रिया एंड टू पेसमेकर, तो ये गलत हो गया। तो ज्यादा करेक्ट अगर हम लोग देखें तो इसे हम लोग कह सकते हैं क्योंकि डबल वॉल्ड है और मेम्ब्रेनस है और क्या है बेसिकली बैग भी है, ठीक है। आगे आ जाइए, हाउ मेनी डबल सर्कुलेशन आर नॉर्मली कंप्लीटेड इन ह्यूमन हर्ट इन 5 मिनट, डबल सर्कुलेशन कितने कंप्लीट करेगा, कितने मिनट्स में, 5 मिनट्स में, हाउ मेनी। तो देखिए डबल सर्कुलेशन की रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें तो बच्चों अगर हम देखें तो देखिए एक मिनट में हार्ट बीट कितनी होती है, यानी एक डबल सर्कुलेशन एक बीट में कंप्लीट होगा, तो एक मिनट में कितनी होती है हार्ट बीट, 1 मिनट के अंदर कितने डबल सर्कुलेशन होते हैं, 72 होते हैं। यहां पर कितना पूछा है इसने, 5, तो 5 मिनट में कितने होंगे, तो 5 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, 5 2 10 1 कैरी, 5 7 35 और 360, सही आंसर क्या गया हमारा, 360 डबल सर्कुलेशन, एक डबल सर्कुलेशन मतलब एक बीट, एक मिनट में नॉर्मली कितनी होती है, 72 टाइम्स होता है, तो 5 मिनट में कितना होगा, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। आगे चलिए, कार्डिक साइकिल कार्डिक इवेंट है जो किसमें होता है, सिंगल बीट में जो इवेंट हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, हृदय चक्र एक स्पंदन में होता है, ठीक है, एक स्पंदन। आगे चलिए, स्ट्रोक वॉल्यूम, ब्लड की वॉल्यूम जो ईच वेंट्रिकल द्वारा एक बीट में पंप की जाती है, ध्यान रखिएगा है ना, प्रति स्पंदन की बात हो रही है और प्रति मिनट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट हो जाएगा, पर यहां किसकी बात हो रही है, स्ट्रोक वॉल्यूम की, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाइए, मैच द फॉलोइंग है,
पी मतलब दोनों एट्रिया का डीपोलराइजेशन, यानी दोनों अलिंदों का विध्रुवन। क्यू आर एस निलियों का विध्रुवन यानी डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, निलियों का विध्रुवन। और टी मतलब रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स यानी कि निले का पुनः ध्रुवन। तो बस यही मैचिंग आपको ध्यान रखनी है, यानी कि फर्स्ट थर्ड सेकंड, फर्स्ट थर्ड सेकंड इज दी सेकंड में देखिए सही ऑप्शन दे रहा है। विध्रुवन ध्यान रखिएगा, जब कुछ भी नहीं हो रहा तो ध्रुवन है, पोलराइजेशन है। उसको आपने छेड़ा, कॉन्ट्रेक्शन हुआ या नर्व कंडक्शन हुआ तो डीपोलराइजेशन है, यानी कि क्या है, विध्रुवन है। और जब दोबारा वापस अपने ध्रुवित अवस्था में आ रहा है तो पुनः ध्रुवन है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये कुछ बातें थी, चलिए आगे चलते हैं। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम है किसी पर्सन की 80 ml, ठीक है, और QRS कॉम्प्लेक्स जो है ECG में वो भी 80 है, तो कार्डिक आउटपुट हमें निकालना है। हमें देखिए कार्डिक आउटपुट फाइंड करना है। कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। अब देखिए हमें हार्ट बीट सीधे तौर पर नहीं दिया, हमें QRS कॉम्प्लेक्स बोल दिया। QRS कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ECG के अंदर, वो बच्चा क्या शो करते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स मतलब क्या हो गया, एक तरीके की हार्ट बीट को ही वो बताते हैं। अगर हम एक मिनट की ECG में QRS कॉम्प्लेक्स को कैलकुलेट कर ले तो हमें क्या मिल जाएगी, हार्ट बीट मिल जाएगी। तो वो कितने हैं, 80 है। स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी है, 80 है। 80 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6400 ml आएगा, जिसे लीटर में चेंज करने पर 6.4 लीटर आंसर हो जाएगा, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। आगे आ जाइए, लीकेज और बैक फ्लो किसका, ब्लड का, सेमीलूनर वॉल्व द्वारा प्रिवेंट किया जाता है। तो देखिए ये हो गई हमारी, मान लेते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहां से निकल रही है क्या, ओल्टा। तो यहां पर जो वॉल्व है वो कौन सा वाला है, सेमी लूनर वॉल्व है। तो ये किसका बैक फ्लो प्रिवेंट करेगा, इस aorta का बैक फ्लो करेगा कि वापस aorta से किस में ना आ जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आ जाए। बात आ रही है आपके समझ में। इसी वजह से सही आंसर क्या गया हमारा बच्चों, सही आंसर चला गया aorta इंटू लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी महाधमनी से बाएं मिले में प्रिवेंट करेगा, इसलिए यही काम है इसका। आगे आ जाइए, फैगोसाइटोसिस कौन करती है, भक्षण कौन करती है। दो सेल्स हैं, एक माइक्रोपुलिसमैन एक मैक्रोपुलिसमैन। माइक्रोपुलिसमैन हो गई न्यूट्रोफिल, मैक्रोपुलिसमैन हो गई मैक्रोफेजेस। तो सही आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन, न्यूट्रोफिल्स तथा मैक्रोफेज। आगे आ जाइए, कंपेयर टू ब्लड वेसल्स द प्रेशर इन लिम्फेटिक वेसल्स। ध्यान रखिएगा जो लिम्फेटिक वेसल्स है उनमें दाब की अगर हम बात करें तो रक्त वाहिनियों के कंपेयर में दाब जो है वो कम होता है, यानी ब्लड वेसल्स के कंपेयर में लिम्फेटिक वेसल्स में प्रेशर कैसा रहेगा, लो रहेगा, यानी कि आंसर क्या गया इसका, लो चला गया। आ जाइए, इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ब्लड का इंपॉर्टेंट फंक्शन आपसे पूछा है तो क्या है, गैसेस का और इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस का। देखिए ट्रांसपोर्ट करवाना ही ब्लड का क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बाकी अगर आप लोग देखोगे तो एग्जैक्टली में वो सही मैच नहीं हो रहे, ठीक है। कंजेशन किसका एक इंपॉर्टेंट साइन है, ध्यान रखिएगा फुफ्फुसीय संकुलन हमेशा जो हृदय पात है, हार्ट फेलियर का एक इंपॉर्टेंट साइन है, तभी हम इसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। लंग्स में हमें कंजेशन देखने को मिलता है जब पोस्टमार्टम करते हैं, तो ये किसको बताता है, ये हार्ट फेलियर को बताता है बेटा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हृदय पात, ठीक है। आगे आ जाइए, लिपिड का डिपोजिशन किसपे, वॉल की लाइनिंग पर, ल्यूमन ऑफ लार्ज एंड मीडियम साइज आर्टरीज, रेफर्स टू, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, एथेरियोस्क्लेरोसिस की तरफ ही हमें इशारा कर रहा है। बाकी हाइपोटेंशन तो क्या है, बीपी का कम हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो एक अलग ही हो गया, और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये दोनों के दोनों बोन से रिलेटेड है। तो देखिए इन चीजों का जब डिपोजिशन है लिपिड्स का, जो प्लेक बन जाता है, जो ल्यूमन साइज है वो जब डिक्रीज हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एथेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, इसलिए आंसर क्या गया, फोर्थ चल गया। व्हिच थिनेस्ट वॉल, सबसे पतली वॉल किसकी होगी, तो देखिए तब कंपेयर करेंगे तो कैपिलरी में केवल सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर है, तो सबसे पतली वॉल किसमें है, कैपिलरी में। सर्कुलेटरी सिस्टम जो कैपिलरीज पे बन रहा है और कैपिलरी पे ही खत्म हो रहा है, तो देखिए पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम मतलब जैसे कि मान लेते हैं ये कोई ऑर्गन ए है, ये कोई ऑर्गन बी है,
ऑर्गन में ब्लड लाने का काम जो कर रही है वो कौन करेगी? आर्टरी। ले जाने का काम कौन करेगी? वेन। आर्टरी आएगी तो यहां पर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? देखिए कैपिलरीज में। और वेन जब निकलेगी तो यहां पर किसके थ्रू निकलेगी? वापस से कैपिलरीज के थ्रू। अब पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, ये जो वेन है ना ये हर्ट की तरफ जाने के बजाय, इधर हर्ट है, हर्ट की तरफ नहीं जाती, बल्कि कहां किसको सप्लाई दे देती है? किसको सप्लाई दे देती है? ऑर्गन बी को। तो यहां पर जब सप्लाई देगी तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो वेन है ना, इस वेन को हम नाम दे देते हैं क्या? पोर्टल वेन। इसलिए जो ये सिस्टम अब बना, ये जो सिस्टम है इसे हम कहते हैं क्या? पोर्टल सिस्टम। तो देखिए पोर्टल सिस्टम हमें इनमें से सेलेक्ट करना है। तो पोर्टल सिस्टम आप देखिए फोर्थ ऑप्शन पे हमें दे रखा है, हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम जो किसके बीच में है? हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में है। तो आंसर भी इसका क्या हो जाएगा? फोर्थ। ठीक है, चलिए आगे। फिब्रिनोजन किस फॉर्म में है बेटा? इनएक्टिव। कौन इसे कंप्लीट करता है? किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है? थ्रोम्बिन। और किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्टिव। तो बस इनएक्टिव थ्रोम्बिन एक्टिव। सेकेंड ऑप्शन देखिए, इनएक्टिव थ्रोम्बिन एक्टिव, बाकी के इधर सक्रिय है, सक्रिय है, सक्रिय, गलत हो गए। सो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन है एड्रिनलिन और नॉरएड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इनका फंक्शन आपको एक तरीके से ध्यान है, या हम कह सकते हैं कि हर्ट बीट पे इनका क्या असर पड़ेगा? देखिए इनके कारण जो हर्ट बीट है वो क्या हो जाती है? राइज कर देती है, यानी कि क्या हो जाती है? बेसिकली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, आगे आ जाइए। न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का एक्सचेंज किसके बीच में? ब्लड जो है और सेल्स के बीच में, हमेशा किसके थ्रू होगा? इंटरस्टिशियल फ्लूड के थ्रू होगा। अगर आप एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है तो वहां पे बहुत ही एग्जैक्टली ये लाइन लिखी हुई है कि जो टिश्यू फ्लूड जो है, बेसिकली हम इंटरस्टिशियल फ्लूड कह लीजिए, जो टिश्यू फ्लूड है, तो ब्लड जो है वो सीधा तो सेल्स तक नहीं जाएगा, तो ब्लड अपना जो भी मटेरियल है या गैसेस है किसको देगा? टिश्यू को देगा। फिर टिश्यू फ्लूड के थ्रू एक्सचेंज किसके बीच में होगा? सेल्स के और टिश्यू फ्लूड के बीच में, या इंटरस्टिशियल फ्लूड के बीच में। तो सही आंसर इसलिए हमारा क्या गया? फर्स्ट लाइन। कौन सा आयन प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कैल्शियम आयन है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लीवर पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। ठीक है, लीवर बिल्कुल पार्टिसिपेट करता है, सही बात है। एडीएच जो है वो मदद करता है रीअब्सॉर्प्शन करवाने में, किसका? वाटर का, और एज ए वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर एक्ट करता है, सही बात है, तभी तो नाम उसका वैसो प्रेसिन है। मिक्चुरेशन इज कंसर्न विद रिफ्लेक्स एक्शन, बिल्कुल सही बात है। हेनले लूप प्ले नो रोल इन कंसंट्रेटिंग यूरिन, ये बात गलत होगी। देखिए हेनले लूप जो है वो बेचारा, ऐसी बात नहीं, रोल तो प्ले करता है। तो अब क्या बोला है हमने इसे, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? बिल्कुल अगर हम देखें तो देखिए जो 136 है हमारा, 136 में अगर हम लोग देखें तो सभी के सभी सही है, बट किसको छोड़ करके? डी को छोड़ करके, क्योंकि ये जो है ये वाला क्या है, गलत हो गया, क्योंकि हेनले का ये बता रहा है कि हेनले का जो लूप है वो कोई ऐसी भूमिका निभा ही नहीं रहा, बल्कि वो तो निभाता है। तो सही आंसर कौन सा हो गया हमारा? थर्ड ऑप्शन। आगे आ जाइए, क्या पूछा है बेटा आपसे? देखिए कोर्टिकल नेफ्रॉन कहां पे होंगे और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया। तो देखिए जो आर्टरी है, रीनल आर्टरी जो ब्लड लेके आ रही है, उसमें ज्यादा यूरिया होगा, फिर किडनी उसको फिल्टर कर देगी, यूरिया को यूरिन में एक्सक्रीट कर देगी। तो जो वेन है, रीनल वेन जो ले जाएगी किडनी से ब्लड, उसमें यूरिया का अमाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो लो अमाउंट ऑफ यूरिया हमें किसमें मिलेगा? अगर हम एनसीईआरटी के डायग्राम से इसे कंपेयर करें तो बड़े साइज वाली वेसल कौन सी थी? रीनल वेन। तो एक तो वो डी हो गया हमारा। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कौन से पार्ट में होंगे? ये कॉर्टेक्स पार्ट है, आप देखिए कौन सा पार्ट है? कॉर्टेक्स पार्ट है। तो आंसर क्या हो गया? ए और डी, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है? फोर्थ ऑप्शन में हमें दे रखा है। आगे आ जाइए, फेवर ऑफ जीएफआर कौन से मतलब सही है? जीएफआर, जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। पहले में इसने रिएक्शन बोल दिया, गलत हो गया, ये कोई रिएक्शन नहीं है और लीवर में नहीं चलती बिल्कुल भी, तो गलत हो गया।
मेनली कंट्रोल बाय द प्रोटीन्स रिलीज फ्रॉम पैनक्रियाज। गलत बात हो गई। नॉर्मल व्यक्ति की जो GFR है वो 125 ml पर मिनट होती है, ये बिल्कुल सही बात है। इसी वजह से आंसर जो है कौन सा गया 138 में 4 चला गया। देखिए अब इसको थोड़ा सा ये आपको परेशान कर सकता है ये क्वेश्चन, पर ध्यान से देखिएगा हमें क्या नॉलेज हमें थी, क्या है इससे हमें मतलब नहीं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें इससे मतलब है। इस क्वेश्चन में सीधे तौर पर वासा रेक्टा दिखा रहा है। वासा रेक्टा जो है वो क्या होती है, जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है उनकी एक ब्लड वेसल जो है हेनले के लूप के साथ साथ में मेडुला तक नीचे तक जाती है और रन करती है साथ साथ में, तो वो क्या होती है बच्चों, वासा रेक्टा होती है। अब यहाँ सब वासा रेक्टा लिखा हुआ है एनसीईआरटी के डायग्राम में, तो ये ऑब्वियसली कौन सा नेफ्रॉन है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, इसमें हमें सोचने की जरूरत ये नहीं है, वासा रेक्टा से हम पहचान सकते हैं। और अगर आप हेनले लूप को भी देखोगे तो उसकी भी जो लेंथ है वो अच्छी खासी यहाँ पर आपको शो हो रही है, तो वासा रेक्टा लिख देगा तो आपको आंसर क्या बताना है कि जेजी नेफ्रॉन की ये बात कर रहा है। अगर यहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज लिख देता तो ये कौन सा होता, फिर कोर्टिकल नेफ्रॉन हो जाता। करेक्टली मैच, नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल यूनिट है किडनी की बट फंक्शनल नहीं है, तो गलत बात हो गई, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों है। ग्लोमेरुलस है वो टफ्ट है, बिल्कुल केशिकाओं का गुच्छा है, बिल्कुल सही बात है, एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल का है। हेनले लूप है जो रीनल पेल्विस में ओपन होता है, नहीं, हेनले लूप तो डीसीटी में खुलता है। फिल्ट्रेशन सेलेक्टिव प्रोसेस है, ग्लोमेरुलस ना बिल्कुल ही नहीं करता, तो सही आंसर कौन सा हो गया, देखिए 140 में सेकंड ऑप्शन अगर आप लोग देखोगे बच्चों तो सेकंड ऑप्शन जो है 140 में वो एकदम सही आंसर है। ठीक है, करेक्टली मैच बताना था हमें। कीटोनूरिया, कीटोनूरिया डायबिटीज मेलाइटस का एक साइन है। जब क्या होता है इंसुलिन की कमी हो जाती है डायबिटीज मेलाइटस में, तो क्या होता है कि सेल्स जो है वो भूखे रहने लगते हैं, तो वो फैट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करने लगते हैं, इसकी वजह से कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन होता है। और कीटोन बॉडीज के प्रोडक्शन के दौरान कीटोनूरिया हमें देखने को मिलता है, यानी यूरिन में वो कीटोन बॉडीज हमें देखने को मिलती है। तो फर्स्ट में हो गया डी। यूरिया जो है वो कितना है, 25 से 30 ग्राम, यानी कि ए। सेलोफोन मेम्ब्रेन जो है वो हीमोडायलिसिस में यूज होती है, यानी कि बी। और रीनल कैल्कुलाई जो है वो सी, यानी डी ए बी सी। तो देख लीजिए डी ए बी सी, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ए बी सी। 141 में अगर हम लोग देखें बच्चों, सेकंड जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो पेयर किडनी, यही गलत हो गया, दो पेयर थोड़ी होती है, वन पेयर किडनी है और बाकी के स्ट्रक्चर्स हैं। हमें बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है, गलत है बिल्कुल, यही पता चल रहा है। और किससे कंसर्न में आंसर हमें बताना है, यूरेथ्रा से कंसर्न में बताना है। हमें बताना है कि कथन सही है क्या, नहीं है, हमें पता चल गया। और किसके संदर्भ में है, मूत्र वाहिनी के संदर्भ में हमें बात करनी है। ठीक है, मूत्र वाहिनी से संबंधित है या बात हमें करनी है, तो यहाँ पर हम मूत्र मार्ग जो है उसकी हम लोग बात कर सकते हैं। एक बार इसको थोड़ा सा मूत्र मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें बेटा, यूरेथ्रा से रिलेटेड बात करें, और किससे बात करें अगर हम लोग बेसिकली, और स्टेटमेंट की रिगार्डिंग बात करें, तो देखिए जो है बिल्कुल ये बात अगर हम देखें तो ये बात जो है वो क्या है, गलत हो जाएगी। ये कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, गलत है, दो पेयर नहीं है किडनी के। और किसमें हेल्प करता है यूरेथ्रा जो है वो, किसमें हेल्प करेगा, कंडक्शन में हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा, कंडक्शन के अंदर। ठीक है, तो नहीं, मूत्र के परिवहन में सहायता करती है, ये बात हमारी एकदम सही हो जाएगी। इसलिए आंसर क्या गया है इसका, फर्स्ट ऑप्शन। ये देखिए ये जो सी है ये क्या है, एड्रीनल ग्लैंड। जो ए है ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। और जो बी है वो क्या है, यूरेथ्रा। ठीक है, सेम ऐसी तरीके से अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, मूत्र मार्ग और मूत्राशय। तो फोर्थ ऑप्शन देखिए आप, ए क्या है, गलत हो गया फोर्थ ऑप्शन। तो ए थर्ड ऑप्शन देखिए, ए क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, बी क्या है, यूरेथ्रा, और सी क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। इसी वजह से सही आंसर जो है 143 का वो कौन सा गया, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। आगे आ जाइए, देखिए नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट बताया है इसने किडनी की, जिसके दो पोर्शन बता रहा है, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। अगर अबव स्टेटमेंट के तौर पर करेक्टली मैच कौन सा है, तो देखिए नेफ्रॉन जो है वो फिल्ट्रेशन के लिए
रीअब्सॉर्प्शन के लिए और सीक्रेशन के लिए, तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कोई शक की बात ही नहीं है, पहला ही है हमारा सही ऑप्शन। ग्लोमेरुलस में इसने सीक्रेशन बोल दिया, गलत हो गया। रीनल टिब्यूल में केवल सीक्रेशन बोल दिया, गल्ट हो गया। लूप ऑफ हेनले में अल्ट्राफिल्ट्रेशन बता रहा है, गलत हो गया। निस्यंदन तथा स्त्रवण, स्त्रवण थोड़ी होता है ग्लोमेरुलस में, केवल स्त्रवण ही नहीं होता, परा निस्यंदन जो है वो गोमन संपुट की बात है, तो इसलिए नीचे वाले तीनों गलत हो गए। सही आंसर कौन सा हो गया हमारा, फर्स्ट ऑप्शन। ये देखिए यहां पर बात की है किससे रिगार्डिंग, कि रीनल टिब्यूल जो है डबल वॉल्ड कप यानी गोमन कैप्सूल, फिर पीसीटी, फिर हेनले लूप और डीसीटी, ये फोर मेजर कंपोनेंट है, इनके फंक्शंस की रिगार्डिंग बात की है। तो आप देखिए डबल वॉल्ड कप जो है इसका फंक्शन क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, यहाँ फिल्ट्रेशन दे रखा है जो कि गलत बात है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। अगर आप देखेंगे पीसीटी तो एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है, एक्टिव होता है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। जो हेनले लूप है ये कंसंट्रेटिंग करने में, यूरिन को कंसंट्रेट करने में मदद करता है, सही बात है। और डीसीटी में कंडीशनल है, अगर एल्डोस्टेरोन आएगा, एडीएच आएगा, तो कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है, इसीलिए सही आंसर कौन सा गया, मोर करेक्ट के हिसाब से कौन सा आंसर गया, थर्ड ऑप्शन। आगे आ जाइए, डीसीटी जो है मैनी नेफ्रॉन की ज्वाइन होकर के कलेक्टिंग डक्ट बनाती है, जो फाइनली रीनल पेल्विस में रीनल मेडुलरी पिरामिड के थ्रू जाकर के खुलती है। अब देखिए कौन सा फंक्शन जो है वो कंसर्न कर रहा है, किससे, डीसीटी से और मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड से। तो देखिए कंसर्न किससे है, अगर हम लोग देखें वाटर के एब्जॉर्प्शन का यहां पर कोई लेना देना नहीं है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया ये भी जो है वो कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म के लिए है, पीएच बैलेंस के लिए नहीं है। सेलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ एच प्लस एंड पोटेशियम आयन ये जो है हम सही मान सकते हैं, क्योंकि पीएच के लिए भी यहां पर आप देखिए आंसर हमारा सही हो रहा है और आयनिक बैलेंस के लिए भी हमारा आंसर सही हो रहा है, इसीलिए जो है सेलेक्टिव सीक्रेशन जो है वो मदद करेगा, किसके अंदर मदद करेगा, पीएच और आयनिक बैलेंस में डीसीटी के अंदर, इसलिए आंसर क्या गया इसका 146 का थर्ड ऑप्शन हमारा क्या गया बेटा, सही आंसर इसका चला गया। आगे आ जाइए, डायग्राम आपको दे रखा है रीनल कैप्सूल को कौन बता रहा है, तो ये बाहर की तरफ जो है ये किसको शो कर रहा है, रीनल कैप्सूल, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर व्हिच इज गिवन इन द फोर्थ ऑप्शन। आगे आ जाइए, मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, अब आपको मैच करना है हेयरपिन, हेयरपिन वाला यानी इसमें कौन सा हो गया, बी हेनले का लूप, ठीक है। यू शेप जो है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की, अगर हम बात करें यू शेप पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की जो ब्रांच है वो क्या है, सी वासा रेक्टा। डीसीटी किसमें खुलता है, कलेक्टिंग डक्ट में, यानी कि डी। डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर कौन सी है, बोमन कैप्सूल, यानी बी सी डी ए, डी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बी सी डी ए, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए ये पूछ रहा है कि थ्री लेयर्स हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर जो है वो फिल्ट्रेशन हो रहा है इसकी वजह से थ्री लेयर्स के थ्रू, क्या है, एक तो देखिए ग्लोमेरुलर जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी एंडोथीलियम, फिर एपिथीलियम किसकी, बोमन कैप्सूल की, और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि इन दोनों के बीच में क्या है, प्रेजेंट है। अब आपसे पूछा है कि देखिए पोडोसाइट्स जो है वो कहां पर अरेंज होंगे, तो पोडोसाइट्स क्या है, जो बोमन कैप्सूल है ना, बोमन कैप्सूल में जो विसरल पेडिक उसकी एपिथीलियल की जो लेयर है उसके अंदर जो एपिथीलियल सेल्स है उनका मॉडिफिकेशन हो गया और वो फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं, और वो जो एंडोथीलियम होती है उनके आसपास फुट लाइक प्रोसेसेस बना करके अरेंज हो जाते हैं। तो पोडोसाइट जो है वो हमें कहाँ पे मिलेंगे बच्चा, हमें मिलेंगे किस पर, बी में, यानी कि क्या है जो एपिथीलियम है बोमन कैप्सूल की, बी। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस क्या कहला रहा है, परा निस्यंदन यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसी वजह से इसका आंसर क्या गया 149 में हमारा, कौन सा आंसर गया 149 में हमारा, सेकंड जो है वो हमारा सही आंसर चला गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखिए एडीएच किसको अफेक्ट नहीं करेगा, एडीएच कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को अफेक्ट करता है, कुछ मात्रा में डीसीटी को भी अफेक्ट करता है, और एडीएच यानी वैसोप्रेसिन ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है, ठीक है। तो ए और बी ये है तो क्या, ब्लड वेसल्स, तो इनको भी अफेक्ट करेगा, पर हेनले का जो लूप है उस पर एडीएच का कोई अफेक्ट सीधा या सीधे तौर पर नहीं आएगा, इसी वजह से 150 में जो है हमारा सही आंसर कौन सा गया बच्चा, फोर्थ जो है हमने सही आंसर यहाँ पर लिया है। आगे चलते हैं,
चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं 151 क्वेश्चन। एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, यानी बॉडी फ्लूइड का लॉस हो रहा है बॉडी से, ऑस्मोरिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर रहा है, यानी कि देखिए परासरण ग्राहियों को सक्रिय कर रहा है, जो कि कहां पे उपस्थित होंगे, हाइपोथैलेमस में उपस्थित होंगे, और जब वो उत्तेजित होंगे तो कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करेंगे, वैसोप्रेसिन का करेंगे, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं एडीएच हार्मोन भी कहते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बैठ रहा है वो कौन सा होगा, हमारा सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्टली मैच करना है जो अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है उनके रिगार्डिंग। तो देखिए लंग्स की बात हो रही है, तो लंग्स देखिए 200 ml पर मिनट जो गैसेस प्रोटेक्टिव उन्हें रिमूव करते हैं, तो सी आ जाएगा। लीवर की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड्स इनको रिमूव करते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। स्वेट ग्लैंड्स की बात करें तो NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड, यानी कि बी आ जाएगा। और सिबेशियस ग्लैंड की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यानी सी डी बी ए। तो देखिए सी डी ए बी गलत हो गया, सी डी बी ए। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, करेक्ट बताना है हमें यूरेमिया। देखिए लीवर में होने वाली विकृति के कारण या माल फंक्शन के कारण यूरेमिया नहीं होता, किडनी के कारण होता है, किडनी उसको प्रॉपरली एक्सक्रीट नहीं कर पाती यूरिया को। हीमोडायलिसिस स्ट्रेट दे दिया यहां पर, बल्कि क्या आना था यहां पर, कॉइल्ड ट्यूब होती है, तो ये गलत हो गया हमारा, ये भी गलत हो गया। आगे आ जाइए, रीनल कैलकुली, डिपोजिशन ऑफ सिट्रेट, और इसके कारण इन्फ्लामेशन नहीं होता, इन्फ्लामेशन जो है यानी कि जो शोथ है वो क्या होता है, बेसिकली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ये तो पथरी होती है नॉर्मल जो रीनल कैलकुली जिसे हम कहते हैं। सिस्टाइटिस, ये टर्म जो है वो एकदम सही दे रखी है, जो मूत्राशय का शोथ है यानी यूरिनरी ब्लैडर का जो इन्फ्लामेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टाइटिस कहते हैं, इसीलिए आंसर क्या गया, फोर्थ गया। आगे चलते हैं, देखिए करेक्ट बताना है आपको, तो जो ए है वो एफरेंट आर्ट्रियोल है, बी जो है एफरेंट है, सी जो है टफ्ट है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का, डी जो है बोमन कैप्सूल है, ये हमें बिल्कुल पता है। तो पहले पढ़िए, ए विद ग्रेटर डायमीटर, ऑब्वियसली एफरेंट का डायमीटर ज्यादा होता है यानी सही बात है। बी विद लेसर डायमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफरेंट को, यानी अपवाही को कम व्यास के साथ बिल्कुल कर रहा है। सी क्या है, केशिकाओं का गुच्छ है, तो ये बात भी एकदम सही हो गई। ई जो है बोमन संपुट का समीपस्थ भाग, ये बात गलत हो गई। तो देखिए फोर्थ को छोड़ दें तो पहला सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, तो कितने स्टेटमेंट सही है इसमें, तीन स्टेटमेंट यहां पर क्या है, सही है, तो इसलिए आंसर कौन सा गया हमारा, सेकंड ऑप्शन चला गया। मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन में हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर होती है जो बहुत छोटी है और एक्सटेंड है, बहुत कम जा रही है किसके अंदर, मेडुला पार्ट में, तो यानी कोर्टिकल नेफ्रॉन की बात कर रहा है, और हेयर पिन शेप स्ट्रक्चर मतलब हेनले के लूप की बात कर रहा है। तो देखिए हेनले का लूप और नेफ्रॉन कौन सा है, कोर्टिकल नेफ्रॉन, तो आंसर कौन सा हो गया इसका, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग है, हाइलम की हम लोग बात करें तो अवतल खांच है हाइलम, तो डी। पेल्विस की हम बात करें तो फनल शेप यानी कीपाकृति स्थान है, यानी कि सी। कॉलम ऑफ बर्टिनी जो है वो बेसिकली क्या है, कॉलम ऑफ बर्टिनी अगर हम लोग देखें तो देखिए क्या है, जो कॉर्टेक्स है उसका क्या है, एक्सटेंशन है, ठीक है, किसके अंदर, मेडुला के अंदर, तो क्या हो जाएगा, बी। कैलेक्स की हम बात करें तो प्रक्षेप है यानी कि क्या है, प्रोजेक्शंस है, तो ए, डी सी बी ए। तो देखिए डी सी बी ए हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा है, इसी वजह से बच्चों हमारा जो सही आंसर है 156 का वो कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है। आगे चलिए, हमें सही बताना है ट्रू और फॉल्स के रिगार्डिंग। तो देखिए रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर्स पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, यानी जो पीसीटी है वहां पर वाटर का जो रीअब्सॉर्प्शन है वो बेसिकली देखिए निष्क्रिय क्रिया द्वारा भी होता है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। मेल्फिगियन कॉर्पस्कल, ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट, बोमन कैप्सूल दोनों को साथ में बोलेंगे तो मेल्फिगियन कॉर्पस्कल कह सकते हैं। पीसीटी डीसीटी नेफ्रॉन जो है वो कोर्टिकल रीजन में लोकेटेड होती है, यानी बिल्कुल सही बात है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो है उनका हेनले का जो लूप है वो बहुत लंबा होता है और मेडुला में डीपली जाता है, तो ये बात भी क्या है, सही है। और ह्यूमन किडनी यूरिन को 40 टाइम्स नहीं करती, 4 टाइम्स करती है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत, यानी टी 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 एफ। तो देखिए टी 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 एफ थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाइए,
मूवमेंट ऑफ फिल्ट्रेट, देखिए फिल्ट्रेट का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, जो हेनले की लूप है इस तरीके से, तो देखिए इसमें तो इस तरह से मूव कर रहा है और इसमें इस तरह से मूव कर रहा है, ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जो मूवमेंट है ये कहलाता है काउंटर करंट फ्लो या प्रतिधारा प्रवाह कहलाता है, एक्सचेंज नहीं कहलाता। और यूनिडायरेक्शनल, डायरेक्शनल, ये सारे ऑप्शन नहीं है। ज्यादा करेक्ट हमारा कौन सा है? काउंटर करंट फ्लो, जो सीधा इस आंसर को बता रहा है। इसमें आंसर क्या गया? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे आ जाइए। डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट जो है वो अलाउ करती है एक्सटेंसिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, जो किस में मदद करता है? देखिए वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो रीअब्सॉर्प्शन है ये ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर क्या करेगा? हेल्प करेगा। अब आप कहेंगे कि सर ये क्यों नहीं हुआ, आयनिक बैलेंस और पीएच, तो यहाँ पे H+ के सीक्रेशन की कहीं बात नहीं की, रीअब्सॉर्प्शन की बात की है, किसके? वाटर और आयंस के। तो ये जो रोल है इसकी वजह से क्या हो रहा है? परासरण नियमन हो रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन हो रहा है, ध्यान रखिएगा। इस वजह से आंसर क्या गया है इसका? थर्ड ऑप्शन गया। चलिए H+, K+ और NH3 सीक्रेटेड किए जाते हैं, यानी कि स्रावित किए जाते हैं ट्यूब्यूल में, क्या मेंटेन करने के लिए? देखिए H+ आ गया, अब हमारी बात हम कर सकते हैं पीएच मेंटेनेंस की, आयंस आ गए मतलब क्या? आयनिक बैलेंस की। इसी वजह से देखिए सेकंड ऑप्शन जो है आयनी संतुलन तथा शरीर तरल की पीएच, इसी वजह से 160 में हमारा सही आंसर जो है वो कौन सा गया? सेकंड ऑप्शन चला गया। आगे आ जाइए, अरेंजमेंट जो है मदद कर रहे हैं रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और यूरिया को इंटरस्टिशियम में बनाए रखने के लिए, कौन से? ध्यान से पढ़िएगा ये क्वेश्चन, आपका कंफ्यूजन हो सकता है। स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहा, संरचनाएं कौन सी हैं, और यूरिया भी इसने यूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब आपके दिमाग में आता है हेनले लूप और वासरेक्टा हमेशा, पर वासरेक्टा और हेनले लूप में सोडियम क्लोराइड को तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में या मध्यांशी अंतरकाशीय अवकाश में रखने में सहायता मिल रही है, बट यूरिया, यूरिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कलेक्टिंग डक्ट। तो ज्यादा करेक्ट जो आंसर होगा ना बच्चों इसमें वो कौन सा होगा? हमारा थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि हेनले का लूप और संग्रह नली का। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या गया? थर्ड। आगे आ जाइए, फंक्शन जो है ना किडनी का वो मॉनिटर किया जाता है हार्मोनल फीडबैक, तो इसमें कुछ संरचनाएं जो है वो पाई जाती हैं, मदद करती हैं। तो आप देखिए हाइपोथैलेमस, एडीएच हार्मोन, वैसोप्रेसिन, ठीक है, जेजी, रेनिन, हार्ट एएनएफ बनाएगा, तो ये कहीं ना कहीं रेगुलेट कर रहे हैं। बट पैनक्रियास का यहाँ पर हार्मोनल फीडबैक में, किडनी के रेगुलेशन में सीधे तौर पर कोई भी रोल नहीं है, इसी वजह से आंसर क्या गया है इसका? फोर्थ, क्योंकि ये पूछ रहा है कौन सी संरचना सम्मिलित नहीं है, यानी कि विच नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, आगे आ जाइए, अरेंज करना है यूरियोटेलिक, यूरिया का एक्सक्रीशन, यानी फर्स्ट में आप देखिए इन तीनों में से मैराइन फिशेज, अमोनोटेलिक यानी अमोनिया का एक्सक्रीशन, यानी कि सेकंड में अगर हम लोग बात करें तो एक्वेटिक इंसेक्ट, और थर्ड में हम बात करें यूरिकोटेलिक तो क्या हो जाएगा? लैंड स्नेल। इसलिए क्या आंसर गया? सी बी ए। तो देखिए सी बी ए सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आ जाइए, अरेंज करना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, प्रॉन्स ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है, ये एग्जैक्ट याद करने वाला है, कॉकरोच इंसेक्ट है, मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स होती है, इसलिए डी। रोटीफर्स में प्रोटोनेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि ए, और अर्थफॉर्म में नेफ्रिडिया होते हैं, तीन टाइप के नेफ्रिडिया होते हैं, फेरिंजियल, ठीक है, बेसिकली इंटरसेप्टल, तो ये यहाँ पर हमारा इसलिए आंसर कौन सा गया यहाँ पर? बी। तो सी डी ए बी, तो सी डी ए बी ढूंढिए, सी डी ए बी सेकेंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। आगे आ जाइए, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पार्टिसिपेट इन मूवमेंट ऑफ आयंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीएच बैलेंस, आयंस के मूवमेंट में बेसिकली एच प्लस के सीक्रेशन में कौन सा पार्ट मदद कर रहा है? देखिए पीसीटी भी करेगा, डीसीटी भी करेगा, पर हेनले लूप जो है एच प्लस का जो है सीक्रेशन जो है वो नहीं करता, इस वजह से आंसर क्या गया है इसका? फोर्थ, कि ये दोनों करते हैं वो नहीं करता। ठीक है, आगे आ जाइए, Which of the following causes an increase in sodium reabsorption? Sodium reabsorption को कौन बढ़ा देता है? देखिए DCT में होता है conditional reabsorption present. तो sodium का जो reabsorption है DCT में वो किसकी वजह से rise कर जाता है? Basically aldosterone level अगर बढ़ जाएगा इस वजह से क्या हो जाएगा जो है DCT में sodium का जो absorption है वो क्या हो जाएगा? Rise हो जाएगा। तो answer क्या गया इसका? First option। आगे आ जाइए,
मैनी नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस आयन CO2 वाटर ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं बॉडी का, इनको एलिमिनेट करने की जो प्रोसेस है वो क्या है? तो करेक्ट आंसर पे हमें जाना है, आपको बाकी दिमाग में नहीं आना, सीधे तौर पर यहाँ पर हमें दे रखा है उत्सर्जन एक्सक्रीशन, ये इनको शरीर से बाहर निकालने की प्रोसेस क्या है? एक्सक्रीशन है, तो इसलिए आंसर कौन सा गया हमारा? फर्स्ट ऑप्शन एक्सक्रीशन। आगे आ जाइए, करेक्ट पूछा है नेचर ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म्ड एंड देयर एक्सक्रीशन रिमेन कांस्टेंट स्टेबल अमंग एनिमल्स। ये कह रहा है कि प्राणियों में बनने वाले जो नाइट्रोजन अपशिष्ट हैं और उनकी प्रकृति और उनका जो उत्सर्जन का तरीका है वो सब में एक जैसा रहता है? नहीं, एक जैसा नहीं रहता, डिपेंड करता है उनके आवास में। जैसे कि कोई पानी में है तो वो अमोनिया का एक्सक्रीशन कर सकता है, कोई वहीं रेगिस्तान में होगा तो उसको जल की जरूरत ज्यादा होगी पानी की, तो वो ऐसा करेगा सीक्रेट, ऐसा नाइट्रोजनस वेस्ट सीक्रेट करेगा जिसमें वाटर कम चाहिए यानी यूरिक एसिड। तो पहला गलत हो गया हमारा, ठीक है, फॉल्स। यूरिया इज द मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ ह्यूमंस, कोई शक की बात नहीं है, इंसानों में, स्तनधारियों में, मैमल्स में, ह्यूमंस में, कौन सा है? यूरिया है। हम कौन से टैलिक है? यूरियोटैलिक है, इसलिए आंसर कौन सा हो गया? ट्रू सेकंड, और यही इसका सही आंसर है, क्योंकि आगे आप पढ़ोगे तो ये बोल रहा है कि ये दोनों कॉमन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, जो कि गलत बात है। इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब को ही मदद करवा रहा है, किसमें? एक्सक्रीशन में, बल्कि ट्रैकियल ट्यूब किसमें मदद करती है? रेस्पिरेशन में, इसलिए सही आंसर कौन सा गया? सेकंड ऑप्शन। आगे आ जाइए, करेक्टली मैच पीसीटी मैक्सिमम फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन नहीं रीएब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कह सकते हैं, तो गलत होगा। पोडोसाइट सीक्रेशन में मदद करवा रहा है, नहीं, ये बल्कि किसमें मदद कर रहा है? फिल्ट्रेशन में, गलत हो गया। ग्रास की फुल फॉर्म रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, और यही हमारा सही आंसर है। आप पढ़िए देखिए, आर ई डबल एन आई एन आ गया, सिंगल एन आता तो हम कह सकते थे, डबल एन आ गया मतलब यहाँ पे इस एंजाइम की बात कर रहा है जो कि इन्फेंट में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, मिल्क कर्डिंग जिसकी वजह से होती है, मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए होता है, तो इसलिए आंसर इसका कौन सा गया? थर्ड ऑप्शन। किडनी की डायमेंशंस हमें दे रखी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, पर अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो आप बहुत आसानी से इसके सही आंसर में जा सकते हैं। देखिए 10 से 12 सेंटीमीटर जो है लेंथ है, 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, और 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी क्या है? थिकनेस है। इसी वजह से सही आंसर 170 में कौन सा गया? हमारा सेकंड ऑप्शन सही आंसर चला गया। आगे आ जाते हैं, देखिए इंक्रीज ब्लड फ्लो, एट्रिया में जो इंक्रीज ब्लड फ्लो है उसके कारण किसका रिलीज होता है? जब देखिए रक्त ज्यादा ब्लड फ्लो जाता है यानी ब्लड प्रेशर जब ज्यादा बढ़ जाता है तो जो एट्रिया है वो फॉर्मेशन करता है किसका? ए एन एफ का, ठीक है, और ए एन एफ के कारण क्या होता है? वैसो डायलेशन होता है, और वैसो डायलेशन होगा तो बीपी यानी ब्लड प्रेशर यानी कि रक्त दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब आपको ये ढूंढना है, देखिए ए एन एफ वैसोडाइलेशन डिक्रीज बीपी, बाकी आप कोई भी मैच करेंगे तो नहीं बैठेगा, इसलिए सही आंसर कौन सा गया? सेकंड। आगे आ जाइए, यूरिन का एनालिसिस क्लिनिकल डायग्नोसिस यानी कि यूरिन का मूत्र का अगर अध्ययन किया जाए उसकी कंपोजिशन का तो हम बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं, बट इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जो हम यूरिन का एनालिसिस करके जिसके बारे में नहीं पता लगा सकते? तो देखिए ग्लाइकोसूरिया, एग्जैक्टली सीधे सिंगल शॉर्ट में बात कर रहे हैं, ग्लूकोज की प्रेजेंस ग्लाइकोसूरिया, कीटोनूरिया, कीटोन बॉडीज की प्रेजेंस कीटोनूरिया, डायबिटीज मेलाइटस, ये दोनों इसके सिम्टम्स हैं, तो ये जब मिलेंगे तो हम कह सकते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस है। पर डायरिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए डायरिया की हम बात करेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि यूरिन का एनालिसिस करके कि हाँ इस पर्सन को डायरिया है। ये बात सही है कि यूरिन कंसंट्रेटेड प्रोड्यूस होने लगेगा डायरिया में कि पेशेंट में, क्योंकि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पर डिहाइड्रेशन क्या डायरिया की वजह से हो रहा है? एग्जैक्टली ये हम यूरिन के एनालिसिस से नहीं कह सकते, पर अगर ग्लाइकोसूरिया हमें देखने को मिल रहा है, कीटोनूरिया हमें देखने को मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस की यहाँ पर बात हो रही है, इसलिए आंसर कौन सा गया इसका? हमारा फोर्थ गया, क्योंकि हमसे पूछा था कि हम इसके बारे में नहीं बता सकते, ठीक है। आगे आ जाइए, नॉट कंसर्न विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन, यूरिन से की कैरेक्टरिस्टिक से कौन सा बेसिकली संबंधित नहीं है? तो यूरिन येलो कलर्ड का वॉटरी फ्लूइड है, सही बात है, slightly acidic है, pH 6 होती है, सही बात है, adult human जो है वो 1 से 1.5 liter urine पैदा करता है, सही बात है, JG nephrons produce कर रहे हैं dilute urine, नहीं, JG nephron तो concentrated urine पैदा करते हैं, और ये urine की characteristic से वैसे भी सम्मिलित नहीं है, इसी वजह से सही आंसर कौन सा गया? हमारा फोर्थ ऑप्शन।
आगे आ जाइए, देखिए डायग्राम हमें दे रखा है, हमें पता लगाना है कि ए कौन है और बी कौन है। तो देखिए ये यहाँ पर जो हेनले का थिन असेंडिंग लिंब है और ये थिक है, तो यहाँ पर क्या है सोडियम क्लोराइड जो है ना NaCl, इसका पैसिव रीअब्सॉर्प्शन होता है, तो ए क्या हो जाएगा, ये ए को डिनोट कर रहा है। और यहाँ पर देखिए जो कलेक्टिंग डक्ट जा रही है, इसको एक बार हटा दीजिए, यहाँ पर जो कलेक्टिंग डक्ट जा रही है इससे कुछ मात्रा में यूरिया अराइज होता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल में आता है, तो यूरिया यहाँ से आएगा और NaCl यहाँ पे आएगा, इसकी वजह से इस मेडुला की जो परासरणता है या ऑस्मोलरिटी है वो हाई बनी रहती है। तो ए पर हो गया NaCl और बी पर हो गया यूरिया, NaCl यूरिया, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। NaCl और H2O की हम लोग बात बेसिकली अगर देखें तो आपको कुछ को ये भी लग सकता है कि आंसर इसका क्या होगा, NaCl और H2O भी हो सकता है क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट से H2O बाहर आ रहा है, पर आप इस चीज को ध्यान में रखिए। देखो बच्चों यहाँ पे कहीं पे भी ADH हार्मोन हम लोगों ने यहाँ पर डिनोट नहीं किया है, तो यहाँ से देखिए। और एक और चीज, साइन जो है ये बी यहाँ से सीक्रेट होके थिन लिंब में अंदर एंटर कर रहा है और वापस ऊपर जा रहा है, तो ऐसा कौन करता है, यूरिया। ये यूरिया साइकिल यहाँ पर आपको डिनोट की गई है, इसीलिए क्या होगा आंसर ज्यादा करेक्ट कौन सा हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड और यूरिया। ठीक है आगे चलते हैं, GFR में अगर कमी आ गई तो जेजी सेल्स, GFR में कमी आ गई तो जेजी सेल किसका रिलीज करेंगे, रेनिन का रिलीज करेंगे। ठीक है बस यही गेम था यहाँ पर, डबल एन सिंगल एन, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आपका पूरा क्वेश्चन गलत करा सकता है, ध्यान से रखिएगा। तो और हमेशा हिंदी मीडियम के जो भी आप लोगों में से स्टूडेंट है, हमेशा रेनिन के रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हिंदी की टाइपिंग एरर मिल सकती है आपको, तो आपको इंग्लिश की स्पेलिंग रेफर कर रही है, डबल एन है तो एंजाइम की बात है, सिंगल एन है तो यहाँ पर वो बात कर रहा है जेजी सेल से रिलेटेड। ठीक है तो सही आंसर कौन सा हो गया हमारा, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाइए, जो किडनी है वो कहाँ लोकेटेड होती है, देखिए किडनी के लोकेशन की बात करें तो T12L3 पर लोकेटेड होती है किडनी, ये सिंगल शॉट हमारे NCERT में जहाँ पर हमारी किडनी दे रखी है वहाँ पे उसकी लोकेशन के रिलेटेड पॉइंट है, और बिल्कुल एक्यूरेटली आपका सभी का सही भी हुआ होगा ये। आगे चलते हैं, देखिए इसको क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो ये बोल रहा है DCT और कलेक्टिंग डक्ट जो है ये कंसनट्रेट करते हैं फिल्ट्रेट को 4 times 300 ऑस्मोलरिटी से 1200 ऑस्मोलरिटी तक बढ़ा देते हैं, ये एक्सीलेंट मैकेनिज्म है किसका, वाटर के कंजर्वेशन का, जल संरक्षण का। ये कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, यूरिन को कंसंट्रेट करने के रिगार्डिंग, तो देखिए काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो वाटर कंजर्वेशन का एक एक्सीलेंट एग्जांपल है, बिल्कुल सही बात है। हेनले लूप और वासरेक्टा के बीच में जो प्रॉक्सिमिटी है यानी कि दोनों के बीच की जो नजदीकी है ये काउंटर करंट मैकेनिज्म प्ले कर रहा है, और इसके कारण क्या हो रहा है कि डिक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी नहीं बल्कि इसके कारण क्या हो रहा है, मेडुला की तरफ हम जाएंगे, जब कॉर्टेक्स से मेडुला, वल्कुट से मध्यांश की तरफ, तो जो परासरणता है, जो ऑस्मोलरिटी है वो क्या होगी, राइज होगी, इसी वजह से ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। और फिर आप देखिए ग्रेडियंट जो है वो सोडियम क्लोराइड और यूरिया की वजह से होती है, बिल्कुल सही बात है। मैमल्स में एबिलिटी है यूरिन को कंसंट्रेटेड करने की, और वासरेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले है वो इसमें सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं कंसंट्रेटिंग इसको यूरिन को करने में, तो ये भी हमारा सही है, इसी वजह से सही आंसर जो है हमारा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है बेसिकली इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया। ठीक आगे आ जाइए, मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस बेस, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, अमोनिया जो है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, यूरिया यूरिक एसिड और अमीनो एसिड यहाँ पर दे रखे हैं, तो ज्यादा टॉक्सिक कौन सा है, अमोनिया है। आगे आ जाइए, प्रोसेस अमोनिया को एक्सक्रीट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, अमोनोटेलिज्म कहलाता है, ध्यान रखिएगा, है ना, अमीनोटेलिज्म नहीं, अमोनोटेलिज्म, अमोनिया का एक्सक्रीशन, और जो करते हैं वो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है आगे आ जाइए, बोथ किडनी में, देखिए एक किडनी में कितने हैं, 1 million नेफ्रॉन, तो दो किडनी में कितने होंगे, 2 million नेफ्रॉन, यानी कि 20 lakh नेफ्रॉन, 1 million बराबर 10 lakh, तो ये हमारा पेपर था बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी का बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा, पढ़ते रहिए और CLC के YouTube चैनल को और Facebook पेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और भी जो आगे सॉल्यूशंस हैं वो सभी आपको अच्छे से मिल पाए, उनका नोटिफिकेशन आप तक आ पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।